तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो देखते हैं, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग, ठीक है, रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, समझ रहे हैं, दो चीज़ों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, जब वो कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक, डोंट से दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, ठीक है, से फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग, स्लिपिंग से रोकता है, कोशिश करता है रोकने की कि दो चीज़ें आपस में स्लिप ना करें। अगला पॉइंट कहता है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस फ्रिक्शनल फोर्स, है फ्रिक्शन प्रॉपर्टी है और उसके वजह से एक फोर्स आता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, एफ, ठीक। तीसरा पॉइंट है बाय द नेचर फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो नेचर में चार तरह के फोर्सेज हम डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला फोर्स आता है हमारा जो सबसे कॉमन और सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, ठीक है, वीक फोर्सेज जिसको कहते हैं, है ना, उसके ऊपर आता है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है और उसके ऊपर आता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फ्रिक्शन का कॉज क्या है, जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में स्लिप करती हैं उनके बीच में जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होता है वो मेन कारण है फ्रिक्शन का, ठीक। इसके अलावा मैकेनिकल रीज़न ये भी है कि जो दो सर्फेसेस होते हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, जो रफनेस होती है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं सर्फेस में, एक दूसरे में अटक जाती हैं, ठीक है, तो इंटरलॉक हो जाती है, क्योंकि सरफेस अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं इस तरह से, तो इंटरलॉकिंग से एक दूसरे में फंस जाती हैं, तो इसका भी ये भी फ्रिक्शन का कारण होती है। सो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एज वेल एज इंटरलॉकिंग्स बिटवीन द सर्फेसेज जो है, इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेसेज, दैट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। अगला पॉइंट है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस, कॉल्ड टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए इसको टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल लगता है, टेंजेंशियल माने पैरेलल। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक, अब मान लीजिए आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर खींच रहे हैं आप, है ना, तो अगर आप इधर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट वन की टेंडेंसी ऑब्जेक्ट टू के रेस्पेक्ट में स्लिप करने की किधर है, बताइए, आगे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वहाँ का फ्रिक्शन वन के ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, वो रोकना चाहेगा इसको, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखलाते हैं, वो स्लिपिंग को रोकना चाहेगा, ठीक, वो स्लिपिंग को क्या करना चाहेगा, तो देखिए पैरेलल टू सरफेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और यही फ्रिक्शन सेम टू सेम फोर्स इस पे लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि टू की स्लिपिंग की टेंडेंसी वन के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगी। सोचिए आप वन ब्लॉक पे बैठे हुए हैं तो आपको वन ब्लॉक टू के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप करने की कोशिश करते हुए दिखेगा, और अगर वन टू के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है टू वन के रिस्पेक्ट में पीछे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा एट दिस कॉन्टैक्ट सर्फेस। तो एक ही कॉन्टैक्ट सर्फेस पे दो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। बोलिए मामला समझ में आ गया, एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस, सेम कॉन्टैक्ट सरफेस पे, कॉन्टैक्ट सरफेस एक है मतलब दो चीज़ें हो गई ना वहाँ पे, ठीक, तो उन दोनों पे फ्रिक्शन जो होगा पहले तो टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा, दूसरा इक्वल लगेगा मैग्नीट्यूड में, और तीसरा दोनों के ऊपर डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। इतनी बात समझ में आती है इससे, समझ में आ गई बात, कि देखिए मैं बता रहा था कि द कॉन्टैक्ट सरफेस एफ इज इक्वल एंड अपोजिट ऑन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, जो मैंने डायग्राम अभी आपको बनाया है दिखाया है। अब यहाँ कुछ डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो सकती है। तो ये पहला वाला डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में गौर कीजिए जरा, इसकी स्लिपिंग की स्लिपिंग हो रही है, इनफैक्ट ग्रीन जो है वो सरफेस दिखला रहा है, स्लिपिंग राइट की तरफ हो रही है, तो इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल है, टेंजेंशियल है, तो एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन हो गया, एक और कॉन्टैक्ट फोर्स हम पहले से जानते हैं जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो कुल मिला के दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अगर आपको निकालना है तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, पैरेललोग्राम लगा के हमने निकाला है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या ही लगेगा, दोनों परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इनका रिजल्टेंट लीजिएगा तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर दो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस से रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे, और रिजल्टेंट जो होगी दैट विल बी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ भी देखिए इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी इधर नीचे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन जो होगा इधर लग जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लग जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर हो जाएगा, आर की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एन होता है, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट होता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम आर से दिखला रहे हैं। इसी तरह ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दीवार में ऐसे प्रेस करके रखा गया है, अब दीवार में अगर थोड़ी भी अगर आप इस फोर्स को ढीली करेंगे तो क्या होगा बताइए, नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, हाँ है ना, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इतना आ जाएगा। तो क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ में आया हमें, क्या रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हमें समझ में आया, फ्रिक्शन को कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं,
देखिए कॉन्टैक्ट का होना कौन सुनिश्चित करता है, कॉन्टैक्ट का होना सुनिश्चित करता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स है यानी फ्रिक्शन, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज देयर और नॉट, स्लिपिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है उससे फ्रिक्शन का जन्म होता है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट है तो एक चीज़ कंपलसरी होगी, वो होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में है तो मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर हो सकता है, है ना, और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब मैक्सिमम नहीं कहिए, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तब आपका कॉन्टैक्ट फोर्स इतना होगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो यहाँ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें लिखनी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, समझ आई बात। तो कॉन्टैक्ट अगर है तो कम से कम कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर जरूर होगा। देखिए फिर से डायग्राम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को दिखलाने के लिए बनाया गया है। ब्लॉक वन आपको दिख रहा है, ब्लॉक वन पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बताइए ब्लॉक वन के स्लिपिंग की टेंडेंसी ब्लॉक टू के रिस्पेक्ट में किधर है, आगे की तरफ है, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, और अगर ब्लॉक वन की टेंडेंसी स्लिपिंग की आगे की तरफ है तो ब्लॉक टू की टेंडेंसी स्लिप तो उस पर फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है। तो कॉन्टैक्ट सर्फेस वन पे आप देखें अगर गौर करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल है मतलब वैल्यू सेम है। अब अजय दूसरा कॉन्टैक्ट बन रहा है ग्राउंड के साथ, अगर ये फ्रिक्शन इस पे ब्लॉक टू पे आगे लग रहा है तो ये ब्लॉक टू को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा ब्लॉक वन के साथ कि ये स्लिप ना करे, तो इस पे ग्राउंड का फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए, पीछे लगेगा। बोलिए समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब आज ये सेकंड डायग्राम को देखिए, सेकंड डायग्राम को गौर से देखिए, बताइए इसमें एक्सटर्नल फोर्स आप किस पे लगा रहे हैं, आप नीचे वाले पे लगा रहे हैं, तो नीचे वाला वन के रेस्पेक्ट में भी आगे स्लिप करने की कोशिश करेगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आगे स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों ही कॉन्टैक्ट सर्फेस का फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा बताइए, पीछे की तरफ लगेगा। इसीलिए सर्फेस वन यानी ऊपर वाले सर्फेस का फ्रिक्शन और ब्लॉक वन पे किधर लगेगा बताइए, आगे की तरफ लगेगा, और इसके साथ लेके जाने की कोशिश करेगा ब्लॉक वन को, ब्लॉक वन को ब्लॉक टू के रेस्पेक्ट के साथ जाने लेके जाने की कोशिश करेगा, कौन, ये वाला फ्रिक्शन, कि स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग की कोशिश फ्रिक्शन की कोशिश हमेशा ये होती है कि स्लिपिंग ना हो, समझ में आ रही है बात। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे पक्का, हमेशा टेंजेंशियल टू सरफेस लगेगा, ध्यान रखें। सो नेवर से दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन नहीं, फ्रिक्शन अपोजेज स्लिपिंग, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी ब्रॉडर व्यू लेते हैं अगर हम, माइक्रोस्कोपिक नहीं जाते हैं, तो फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है और मोशन के भी इंडिपेंडेंट होता है। आपकी स्लिपिंग कितनी वेलोसिटी से हो रही है इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं, आपने कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है आपका जमीन के साथ इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के इंडिपेंडेंट। तो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड पाथ। तो मान लीजिए कि आप एक ब्लॉक आपके पास है, आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आपने आर रेडियस के सर्किल में एक चक्कर पूरा घुमाया, आर रेडियस के सर्किल में एक चक्कर पूरा घुमाया, ठीक, रफ सर्फेस पे है। और मान लीजिए आपको फ्रिक्शन फोर्स मैंने दे दिया कि फ्रिक्शन फोर्स लगातार उस पर एफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आप जीरो मत बोल दीजिए एक चक्कर घुमाने में कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, यहाँ क्या लेते हैं, तो आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या बोलिएगा बताइए, आप बोलिएगा एफ इंटू टू पाई आर विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि आप जाएंगे इधर फ्रिक्शन करेगा अपोज, तो 180 डिग्री पे हो जाएगा ना, कॉस 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन के केस में डिस्टेंस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, रीजन बिंग इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझ में आ रही बात, ये डिसिपेटिव फोर्स ही डिसिपेट करेगा। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। आप समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन समझने के लिए आपको पहले टेंजेंशियल फोर्स समझना पड़ेगा कि टेंजेंशियल फोर्स किसको कहा जाता है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो तब लगता है जब एक्चुअली वहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही हो लेकिन इंपेंडिंग मोशन हो, ठीक है, यानी स्लिपिंग की टेंडेंसी बन रही हो। जैसे मान लीजिए आप एक स्लोप पे खड़े हैं, आप स्लिप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप खड़े हैं, तो आपकी स्लिपिंग की टेंडेंसी बन रही है, आपके जूतों और जमीन के बीच में सफिशियंट फ्रिक्शन है जो आपको रोक के रखे हुए हैं, लेकिन आपकी स्लिपिंग की टेंडेंसी डाउन द प्लेन बन रही है, तो उस केस में अप द प्लेन आपको फ्रिक्शन स्टैटिक मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। इंपेंडिंग मोशन का मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो जाती, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले हमें टेंजेंशियल फोर्स को समझना पड़ेगा। देखिए एकदम ले मैन लैंग्वेज में समझाया मैंने, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बट एक्चुअली देयर इज नो स्लिपिंग, इंपेंडिंग मोशन है लेकिन स्लिपिंग नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली, है कि नहीं, कि एक ब्लॉक है, इसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, है ना, अभी दूसरे ब्लॉक को आप खींच के ले जा रहे हैं आगे, किताब के ऊपर किताब रख दीजिए, नीचे वाले किताब पर फोर्स लगाइए ऐसे, है ना, तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सर्फेस है उस पर फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है बताइए, ऑब्वियसली स्टैटिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही। लेकिन आप ये कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट, तो गलत है ना, रेस्ट में थोड़ी है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, ये साथ साथ जा रहा है उसके, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है। सो डोंट से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन देयर इज नो मोशन और देयर इज रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज इंपेंडिंग मोशन, देयर इज नो स्लिपिंग बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, राइट। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन देयर इज एक्चुअल मोशन स्लिपिंग, व्हेन देयर इज एक्चुअल स्लिपिंग, जब वहां स्लिपिंग हो रही हो तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा।
तो दोनों फ्रिक्शन कब कब लगते हैं ये बात समझ में आ गई। अब दोनों का वैल्यू जानना है, वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टेंजेंशियल फोर्स। अब देखिए टेंजेंशियल फोर्स को मैं बोलता हूँ स्लिपिंग फोर्स। स्लिपिंग फोर्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्लिप कराने की कोशिश करता है, तो मेरा अपना जो नोमेनक्लेचर है यहाँ पे वहाँ मैंने इसको रखा है स्लिपिंग फोर्स बोल के मैं दिखलाऊंगा। ठीक, किताबों में इसको टेंजेंशियल फोर्स से दिखलाया जाएगा, हैं FT इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक, होता क्या है ये, तो देखिए सरफेस के पैरेलल मतलब जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं भांति भांति प्रकार के अलग अलग डायरेक्शन से, उनमें फ्रिक्शन को शामिल मत कीजिए, खाली फ्रिक्शन को छोड़ दीजिए पहले, बाकी जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सबका सरफेस के पैरेलल कॉम्पोनेंट ले लीजिए और उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, सरफेस के पैरेलल क्या लिखा हुआ है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस ट्राइंग टू स्लिप ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फ्रिक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस ट्राइंग टू स्लिप द बॉडी एक्सेप्ट फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, जैसे यहां पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, इस एग्जांपल को गौर से देखिए। अब मैं आपको जरा समझा दूं, ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये ब्लॉक एक प्लेन में रखा हुआ है, इस पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन से देखिए ऐसे 3 न्यूटन का फोर्स दिखाया गया है ना, और जो दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है वो लग रहा है एक्स एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ 60 डिग्री का एंगल बना के 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हमें स्लिपिंग फोर्स निकालना है, तो हमें क्या करना होगा बताइए, हमें सबसे पहले 8 न्यूटन का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट लेना होगा। तो 8 न्यूटन के होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, बोलिए होगा कि नहीं होगा। ये जो पहला कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में बताइए, नहीं 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 ठीक से बताओ, वाई एक्सिस कैसे है, वाई तो ये है, जेड ये है, ये थ्री डायमेंशन एक्स ये है, ये थ्री डायमेंशन डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस तरह से फोर्स लग रहा है। अब बताइए सरफेस के पैरेलल कौन कौन से फोर्स है, ये समझाइए मेरे को, सरफेस के पैरेलल 3 न्यूटन सरफेस के पैरेलल है और 8 न्यूटन साइन 60 पैरेलल होगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये पैरेलल होगा कि ये पैरेलल होगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पहला वाला ऊपर वाला, तो ये पैरेलल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो ये लेंगे तो क्या लेंगे, तो सोच समझ के बोलो, तो ये 4 हो गया। अब सरफेस के पैरेलल हो गए दो फोर्सेस, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 90 डिग्री पे है दोनों, बताइए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का क्या रिजल्टेंट होगा अगर 90 डिग्री पे है, तो 5 न्यूटन होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लगेगा, दिखा रहा हूँ अभी, ये आपका जो है इन दोनों का पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट लीजिएगा, है ना, अलग करके आगे बढ़ा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसी में दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों का पैरेललोग्राम बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इनका जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये देखिए इन दोनों से बनने वाला पैरेललोग्राम बना दिया। अब ये डार्क ग्रीन कलर का आपको फोर्स दिख रहा है, ये हो जाएगा कितना न्यूटन का फोर्स, ये हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स, और यही इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए समझ में आ गई बात, तो अब बताइए यहाँ पे स्लिपिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कितना हुआ, 5 न्यूटन हुआ, कितना हुआ 5 न्यूटन हुआ, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए इस ब्लॉक का मास जो है वो 2 kg है, ये जो 8 sin 60 वाला आपने फोर्स लिखा है, इस फोर्स की वैल्यू हो गई 4√3, रूट तीन को 1.7 पुट कर देंगे तो लगभग ये हो जाएगा 6.8 न्यूटन के आसपास, ठीक है, नहीं 5.2 हो जाएगा, 17 × 68 ना जी, सॉरी 13 ले रहा हूँ, हाँ 6.8 हो जाएगा। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस बात करें तो बताइए ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, एक तो इसका वेट होगा जो होगा 20 न्यूटन, दूसरा कौन सा फोर्स होगा, 6.8, अच्छा और कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, यही पढ़ा रहा हूँ मैं, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब विचित्र हालत है भाई साहब, देख लीजिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा, व्हाट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ईयर, 26.8, बोली समझ में आया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाएगा आप ऊपर से पुश करते हैं, तो इसीलिए पुश करना मुश्किल होता है पुल करने से, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, सो वाई पुलिंग इज ईजियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो पुल करते हैं तो आप कैसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा बताइए, ऊपर, तो नॉर्मल डायरेक्शन को क्या करेगा, कम करेगा कि बढ़ाएगा, अच्छा ये एक फोर्स ऊपर चला जाएगा तो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ाएगा, कम करेगा क्योंकि नॉर्मल नीचे लगेगा, ठीक है, तो नॉर्मल को कम करेगा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन भी कम करेगा, और अगर यही चीज़ हम ऐसे पुश कर रहे हैं इंक्लाइंड वे में ऐसे, तो इसका एक कॉम्पोनेंट फोर्स का नीचे की तरफ लगेगा, तो ये उल्टा नॉर्मल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, सो इसीलिए पुलिंग इज ईजियर, इंक्लाइंड रस्सी से पुल करना ईजी है कंपेयर टू उसको पुश करना, समझ में आ रही है बात।
कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलता है समझ में आ गया, टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकलता है समझ में आ गया है। तो इस फोर्स को ठीक है क्या बताइए, एफ टी का मतलब मैंने क्या समझाया, स्लिपिंग फोर्स किसको समझाया मैंने, टेंजेंशियल फोर्स होता है, क्या करते हैं उसको निकालने के लिए, सरफेस के पैरेलल जितने फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्ट निकालते हैं। उसमें फ्रिक्शन शामिल होता है कि नहीं होता, फ्रिक्शन शामिल नहीं होता। पुलिंग इजियर है पुशिंग से, क्यों एक्सप्लेन, पुलिंग के केस में क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिपेंड करता है। अरे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या दिखाता है, कितनी बुरी तरह से आप कॉन्टैक्ट में है, कितना सशक्तता से आप कॉन्टैक्ट में है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कम होना मतलब कॉन्टैक्ट का कम होना, ढीली कॉन्टैक्ट होना, लूज कॉन्टैक्ट होना, तो लूज कॉन्टैक्ट होने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ऊपर लगेगा, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के विरोध में लग रहा है तो इसको कम करेगा, इसमें इसी फोर्स का एक कॉम्पोनेंट नीचे लगेगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को और सशक्त करेगा, तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। इसके सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, देखिए फ्रिक्शन का टेंजेंशियल फोर्स के साथ ग्राफ बनाया गया है, गौर करिए एक्स एक्सिस पे किसको दिखला रहे हैं, स्लिपिंग फोर्स को, जिसको हम स्लिपिंग फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, वाई एक्सिस पे किसको दिखला रहे हैं, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। थोड़ी देर तक ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे, सवाल ये उठता है 45 डिग्री पे क्यों, 45 डिग्री पे इसलिए क्योंकि जब तक एक्चुअल स्लिपिंग शुरू नहीं होगी तब तक आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एग्जैक्टली बराबर होगा टेंजेंशियल फोर्स के और स्लिपिंग को नहीं होने देगा, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के अनुसार अपने वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो ये कि भाई जो भी आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा उसके ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सीधा सीधा टेंजेंशियल फोर्स को अपोज करेगा जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही। तो 45 डिग्री इसलिए क्योंकि 45 डिग्री पे ये वाला और ये वाला लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पहला ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, ग्राफ का पहला हिस्सा यानी यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे हिस्से में इस पॉइंट तक समझिए कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इस पूरे हिस्से में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, उसको क्या कहते हैं बताइए, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। बोलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू समझ में आया, जब इससे बियॉन्ड आप टेंजेंशियल फोर्स को बढ़ाएंगे तो अचानक आपको दिखेगा कि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया। ये जो थोड़ा सा कम होता है ये क्यों होता है, जो इंटरलॉकिंग्स होती हैं टूट जाती हैं, ठीक, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके बाद आपका फ्रिक्शन मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा वैल्यू में। उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगता रहता है जब तक कि स्लिपिंग होती रहे। इसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्लिपिंग एक्सेलरेशन से हो रहा है कि रिटार्डेशन से हो रहा है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये तब तक कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा, सेम वैल्यू में लगता रहेगा जब तक कि वो स्लिपिंग वापस रुक ना जाए, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, ठीक है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इसी में एक और एक्सप्रेशन की डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट होगा जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपके स्लिपिंग को रोकेगा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन रोक ना पाएगा। तो ये जो पॉइंट है इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बताइए, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है कि कोई सरफेस ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर पाएगा, ठीक, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं मिल सकता, उसके बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का उपयोग कब करना है इस बात को समझिए। एक आपको ये उपयोग ये बात सोच के करनी है कि अगर आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, तब ही स्लिपिंग होगी, नहीं तो स्लिपिंग संभव नहीं है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या इवन बराबर है तो ये स्लिपिंग नहीं होगी। बोलिए समझ में आ रहा है, स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक। तो पहला काम इसका है कि टेंजेंशियल फोर्स के साथ कंपेयर करके ये पता लगाना कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, सच दैट हम सही फ्रिक्शन का फॉर्मूला चुन पाए। याद रखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग, क्या कहते हैं, स्लिपिंग का कगार, ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिपिंग के कगार पे पहुंच गया, अबाउट टू स्लिप है बिल्कुल, अब
किया नहीं है लेकिन अब स्लिप कर जाएगा, थोड़ा भी फोर्स का इंबैलेंस बनेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लगता है उसको कहते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन जिस जोन में लगता है उस पूरे जोन को कहते हैं नो स्लिपिंग, उसको क्या कहते हैं नो स्लिपिंग। तो स्ट्रेट लाइन सेक्शन जो है पहला वाला इंक्लाइंड वाला, ये नो स्लिपिंग जोन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जिस जोन में लगता है उसको हम कहते हैं स्लिपिंग जोन। तो तीन जोन हो गए जिसमें तीनों फ्रिक्शन एक्ट करते हैं। तीन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन दो ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग होती है। अब इस पूरे ग्राफ को आप गौर से देखिए, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन पूछ रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा होगा? काइनेटिक बड़ा होगा। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या स्टैटिक नहीं है? क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होता? तो वहां स्टैटिक बड़ा नहीं हो गया काइनेटिक से? क्या आंसर होगा इसका? इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी लेस देन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू काइनेटिक के बराबर भी हो सकती है, काइनेटिक से बड़ी भी हो सकती है, काइनेटिक से कम भी हो सकती है। यहां से लेके यहां तक सारा जो फ्रिक्शन लग रहा है सारा स्टैटिक है। तो आपको दिख रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से इसको को इसने क्रॉस भी कर लिया वैल्यू में। बोली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम यह देखना है कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। एक बार स्लिपिंग शुरू हो जाए ना तो कौन सा फ्रिक्शन लगने लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद आपके टेंजेंशियल फोर्स आपका है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, स्लिपिंग है कि नहीं है। जब तक स्लिपिंग सर्वाइव करेगा फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम स्लिपिंग को रोकना होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लिपिंग मेंटेन करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। स्लिपिंग तो तब तक एक बार धक्का देके वेलोसिटी बना के छोड़ दीजिए, आप फोर्स हटा लीजिए तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आपके हटाते ही थोड़ी रुक जाएगा वो, स्लिपिंग तो चलती रहेगी। अब उसको उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो रिटार्डेशन पैदा करेगा, वो उसको रोकेगा, तब तक काइनेटिक ही लगेगा। मोशन को बनाए रखने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन लगाने की जरूरत, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मोशन को स्टार्ट करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, स्लिपिंग को स्टार्ट करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल अपोजिट होती है। बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। बता दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक स्लिपिंग ठीक है खत्म ना हो जाए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनके फॉर्मूले क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है μs * n और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है μk * n। μs क्या है? μs है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन एक्चुअली होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए किसी कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो टेंजेंशियल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट होता है, समझा चुका हूं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी अगेन इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय μk। ये दोनों के दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उन दो सर्फेसेस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे जो कॉन्टेक्ट में है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लकड़ी का नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लकड़ी और सीमेंट का हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेदर और सीमेंट के बीच का हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ सर्फेस, नॉट फॉर अ सिंगल सर्फेस। ठीक, μs और μk दोनों पेयर ऑफ सर्फेस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। μs μk से ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में खाली एक म्यू दिया हुआ है तो आप उसी को μs भी मान के चलेंगे और उसी को μk भी मान के चलेंगे। याद रखिए मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया और काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए पुशिंग और पुलिंग में पुशिंग मुश्किल होता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बताइए? बढ़ जाता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो पुश करने में मेहनत आपको ज़्यादा पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब कौन किसके विरुद्ध लगता है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो एफएस का तो डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं, तो टेंजेंशियल फोर्स के अपोजिट लगेगा। जो भी आपका इंपेंडिंग मोशन करवाने वाला फोर्स है, जो स्लिपिंग फोर्स है, उसके विरुद्ध में लगेगा ये। दूसरा सवाल है काइनेटिक फ्रिक्शन की दिशा किधर होगी, तो भाई स्लिपिंग के अपोजिट होगी, उसमें फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ μs और μk में ज़्यादा कौन होता है? ऑब्वियसली μs ज़्यादा। याद रखिए μs into n कहते हैं, कोफिशियंट स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए लेवल वन प्रॉब्लम को डील करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं फ्रिक्शन में, ठीक, बेसिक थ्योरी यहाँ खत्म हो जाती है, इतनी ही है बेसिक थ्योरी, बाकी सब जो है डेरिवेबल्स हैं यहाँ से जो आएंगे।
एक प्रॉब्लम वो होगा जिसमें हमें पता है कि इधर स्लिपिंग हो रही है और इधर फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसे 90% क्वेश्चंस होते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको पता ही नहीं चलेगा कि अभी स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, पर पता करना पड़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि वहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर स्लिपिंग सर्टेन नहीं है, देखिए अगर स्लिपिंग सर्टेन है मतलब पक्का है, दिख रहा है क्वेश्चन में कि स्लिपिंग हो रही है, तब तो प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं F1 F4 में, ये भी पुलिंग है, ये भी पुशिंग है, लेकिन ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो इनकी वैल्यू आप खींचने में यूज़ कीजिए, जस्ट ड्रैग करना है आपको ब्लॉक को। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक को जस्ट स्लिप करवाना है, तो उनके लिए इन चार तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो किसमें मेहनत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, किसमें सबसे मेहनत कम पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा किसमें पड़ेगी? जिसमें आप इंक्लाइंड पुशिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बढ़ा देगा। और सबसे कम जो पड़ेगी वो पड़ेगी F2 में, इंक्लाइंड पुलिंग। और बीच की वैल्यू होगी इन दोनों की, इन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है कि आप पुल कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली ये काम कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, शुरू हो जाइए। आपको पता है कि इसमें स्लिपिंग हो रही है, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो बताइए यहाँ पर कितना लगेगा? यहाँ लगेगा 20 न्यूटन वेट, इसके साथ यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो भी 20 न्यूटन होगा, N2 लिखते हैं 20 न्यूटन। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये 20 न्यूटन तो बताइए फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली काइनेटिक लग रहा होगा, स्लिपिंग हो रही है, तो म्यू इनटू एन होता है, म्यू एक ही दिया होगा, तो 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा बताइए? 2 न्यूटन आएगा। अरे बोलो भाई, और एक टेंशन आपको दिखाई दिया गया इधर जो आपको निकालना है। ठीक, एक्सेलरेशन ए माना गया है, अब इस पर आ जाइए, इस पर लगेगा mg, तो ये हो गया 10 न्यूटन। यहाँ कोई फ्रिक्शन विक्शन का चक्कर है नहीं, टेंशन दिखाई दिया। अब 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बोलिए क्या आएगा? 10 - t 1 into a, और सेकंड वाले का बोलिए t = 2 into a, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 8 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, है कि नहीं? एक्सेलरेशन आपके आ गया 8/3 m/s². इसको आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो 8/3 डालिएगा तो 16/3 + 2 हो जाएगा, 24/3 आएगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए t = कितना आएगा, 2 a का मतलब हो गया 16/3, नहीं जी? Yes. तो 22/3 जो है वो आपका टेंशन आ जाएगा। इसमें हमें पता था तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, एक और नया फोर्स आ गया हमारे सामने, हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक, इंक्लाइन प्लेन पर आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तकलीफ वहाँ होगी जहाँ हमें पता ही नहीं है कि स्लिप करेगा। ठीक, वहाँ पर क्या होगा ये समझना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना। सबसे पहले काम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? उसके बाद नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे। जल्दी जल्दी सुनिएगा मेरी बात, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे, उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे, निकालना आ गया टेंजेंशियल फोर्स, स्लिपिंग फोर्स निकालना आ गया सब, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे म्यूस इन टू एन करके, टेंजेंशियल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स को कंपेयर करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? अगर टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर भी है तो स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग होने के लिए टेंजेंशियल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा, पहले ही बता चुका हूं। तो अगर ये कम होगा तो स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी तो एक्सेलरेशन स्लिपिंग का जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, अगर खाली एक ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताइए? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी टेंजेंशियल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट, टेंजेंशियल फोर्स आपने निकाल रखा उसके बराबर लिख दीजिए, ठीक है, और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स n² + ft² के बराबर आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन हमारा टेंजेंशियल फोर्स के बराबर है। अरे भैया, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना पढ़ाया था? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, फ्रिक्शन किसके बराबर लग रहा है? टेंजेंशियल फोर्स के बराबर लग रहा है। अब आ जाइए, अगर FTFL से ज्यादा आ गया तो स्लिपिंग होगी, तब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है ब्लॉक का, और वहां आपने चेक कर लिया और आपका लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा आ रहा है टेंजेंशियल फोर्स, तो आप टेंजेंशियल फोर्स जो स्लिप करा रहा है उसको लीजिए, उसमें से काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस कीजिए, नेट फोर्स निकल जाएगा, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अरे भैया, नेट फोर्स बाई मास कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन =ma लिखा, m से डिवाइड कर दिया, ये निकल गया। ठीक है। उसमें नेट कॉन्टैक्ट फोर्स FK² करके आएगा। FK की वैल्यू कितनी है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FK? अभी कितना बताया आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? तो यहाँ म्यू को इनटू n पुट कर दीजिए, म्यू को इनटू n पुट कीजिएगा तो n कॉमन निकल जाएगा, अंदर में ये आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, एक दीवार दिख रहा है, दीवार पे एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक, ब्लॉक के का मास कितना दिया हुआ? 0.5 kg दिया हुआ, और ब्लॉक को दीवार पे दबा के पकड़ा हुआ है हमने, कितना फोर्स लगा के? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दिया हुआ, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाले, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दिया मतलब नेट पूछ रहा है। आइए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो बना दिया इसका वेट,
वेट जो हो गया वो गया कितना बताइए, कितना हुआ 5 न्यूटन हो गया, ठीक। और बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एफ तो लग ही रहा है, एन ऊपर की तरफ, अच्छा ऐसे बना दूं एन, आर यू श्योर? नहीं, फ्रिक्शन। मैं पहले पूछ रहा हूं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, कॉन्टैक्ट तुमको कहां दिख रहा है भाई, हवा में झूल रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सा सरफेस है भैया जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, अजीब बात कर रहे हो। ये हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अब बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, किधर लगेगा फ्रिक्शन, स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा है, हम खाली ये जानते हैं फ्रिक्शन किधर लगेगा। स्टेप नंबर 1 एफडी हो गया, स्टेप नंबर 2 क्या था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ कितना होगा, जोर से बोलो 12 न्यूटन, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड बताना है खाली, कोई वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख रहा कि माइनस 12 प्लस 12 बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, अतः एक्स डायरेक्शन के दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन 12 हो गया। अगला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, क्या अगला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस एन होगा, बिल्कुल ठीक, बताओ कितना होगा, एन हो गया 12, 0.6 × 12, ये हो गया 7.2 न्यूटन हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल फोर्स क्या है जो स्लिप कराने की कोशिश कर रहा है, यानी स्लिपिंग फोर्स, जिसको हम स्लिपिंग फोर्स कहते थे, एम जी है, वेट है, बिल्कुल सही जवाब, सही है, और कोई फोर्स टेंजेंशियल टू सरफेस नहीं लग रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए, बताइए टेंजेंशियल फोर्स बड़ा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है, टेंजेंशियल फोर्स कम पड़ गया, वीक पड़ गया, क्या स्लिपिंग होगी, नहीं होगी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, पता चल गया स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिख दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अपोजिट ऑफ टेंजेंशियल, वैल्यू तो किसके बराबर होती है, टेंजेंशियल फोर्स के, अभी पढ़ाया था स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल अपोजिट टू टेंजेंशियल फोर्स, व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स, फिर माइनस, ये माइनस कहां से आ जाता है तुम लोग का, हो तो गया डायरेक्शन अपोजिट बना तो दिया, यहां पे हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं भाई, वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख रहे कि माइनस फीड करना है वहां पे, क्या जाहिलो जैसी बात करते हो तुम लोग यार, मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं यहां पे, यहां माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, हां कितना हुआ 12 कैसे है, टेंजेंशियल फोर्स कितना है 5 है, 0.5 वजन है उसका, वेट इतना है 5, मास 0.5 kg है, सबके फंडे हिले हुए भाई साहब। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा बताइए, इन दोनों का रिजल्टेंट करिए, बताइए जल्दी बताइए, 169 ठीक है, अंडर रूट n² + f² होगा ना, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो आर आएगा वो 13 न्यूटन आ जाएगा, जो भी सॉल्व किया आपने, देखिए यहाँ सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आया, देखिए समझिए ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एफ बी डी देखिए, हमने हमें पता नहीं है कि एक्सेलरेशन किधर, क्वेश्चन ने कह दिया टेंशन और एक्सेलरेशन निकालो, हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन किधर, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले मैंने क्या माना कि 3 kg नीचे जाएगा और 2 kg ऐसे ऊपर जाएगा, और इसके हिसाब से मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ले ली, समझ आ रही है बात, इसके हिसाब से मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ले ली, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ले लिया, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ले लिया, कैलकुलेट किया, एफबीडी बनाया, इक्वेशन लिखे, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब आमतौर पे लॉज ऑफ मोशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन आता था तो हम क्या करते थे, हम रिवर्स करके आंसर वही लिख देते थे जब फ्रिक्शन नहीं होता था, अब ये सुविधा नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्सेलरेशन गलत चुना है मतलब आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी गलत चुना है, तो आपको रीडू करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो फिर मैंने उल्टा काम किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम क्यों है समझा रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैंने इसको नीचे मान लिया, इसको ऊपर मान लिया, अब आप कहेंगे सर ये तो 2 kg हल्का है लेकिन इसका एंगल तो ज़्यादा है, कर सकता है स्लाइड, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो कम है, कर सकता है स्लाइड, है कि नहीं। तो मैंने ऐसे लेके निकाला, फिर से मैंने नई एफबीडी बनाई, इस बार मैंने इस पे फ्रिक्शन इधर लिया और इस पे फ्रिक्शन मैंने इधर लिया, हाँ ना, बाकी फोर्सेज जैसे बनाने थे वैसे ही बनाए, मेरा एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव आ गया। अब इससे क्या प्रमाणित हुआ, यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में है क्वेश्चन, तो यहाँ जो भी फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक लगेगा, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, आई बात समझ में है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, इसलिए फाइनल आंसर तक हम इस क्वेश्चन में नहीं पहुँच पाए, ठीक। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 37 डिग्री पे लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स है म्यू एस में कोई दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है, रेडी। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, पहले बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए अच्छे से देखिए, 20 के 2 कंपोनेंट लिए, 20 साइन 37 ऊपर, साइन 37 3/5 होता है,
3/5 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई 12 न्यूटन, सही है, 12 न्यूटन आ गई भाई साहब ये बात, ठीक है। चलिए 20 cos 37 16 हो गया, वेट बना दिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आगे की तरफ होगी तो फ्रिक्शन पीछे ले लिया, कौन सा लगेगा पता नहीं है अभी, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टेप नंबर टू क्या निकालना था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, चलिए बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा इसमें, 12 ऊपर, एन भी ऊपर और 20 नीचे और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, 8 आ गया कि नहीं आ गया, सोचिए अगर 12 नहीं होता तो 20 होता, तो इसने नॉर्मल को कम किया ना, अरे किया कि नहीं किया, अब बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यूएस इनटू है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई क्या किया हमने 8 कर दिया, 4.8 न्यूटन आ गया। अब बताइए यहाँ टेंजेंशियल फोर्स कौन है, स्लिपिंग फोर्स कौन है, 60 न्यूटन है, अरे ये जो सरफेस के पैरल लग रही है ना इसके अलावा कौन लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बताइए टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा है कि कम है, लिमिटिंग से ज़्यादा है, तो इस बार एक्सेलरेशन होगा, आइए एक्सेलरेशन करते हैं, तो अब बताइए यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, तो एक्चुअल जो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा कितना बताइए, 0.4 × 8 काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, तो कोफिशिएंट भी काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करेंगे, तो बर्बाद हो गया FL निकालना, बर्बाद नहीं हो गया, उसी से तो पता चला कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, समझ आ रही है बात, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में FBD बनाइए, 16 न्यूटन आप लगा रहे हैं, 3.2 न्यूटन अपोज कर रहा है, इक्वल टू 2 × a मास इंटू एक्सेलरेशन, अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हैं, सामने से फोर्स कितना दिया भैया, सामने से फोर्स दिया 16 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है भैया, 3.2 लग रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इससे ए आ गया आपका। उसके बाद आप नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लीजिए, F² + N² करके, F की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक वैल्यू लिखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में लग रहा है कौन सा बताइए, काइनेटिक लग रहा है। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए जिसमें फ्रिक्शन कौन सा लगेगा पहले से पता नहीं था, पता करना पड़ा, एक में स्लिपिंग नहीं हुई थी तो स्टैटिक लेके किया, और एक में स्लिपिंग हो रही थी पता चला तो काइनेटिक लेके किया, दोनों के एक एक एग्जांपल कराए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। एक आदमी एक वेल के बीच में फंसा हुआ दीवारों का सहारा लेके, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द वॉल इज म्यू, तो कहता है आदमी दोनों दीवारों को किस फोर्स से धक्का दे रहा होगा, तो पहले आदमी की FBD बनाते हैं, तो मान लीजिए उसने दीवारों को अपने हाथ से और पैर से जो धक्का दिया फ्रंट वॉल को, वो मान लीजिए हमने दिया है N1, और पीठ से जो धक्का दे रहा है पीछे वाले को उसको हम मान लेते हैं N2। पहले तो मुझे ये बताइए कि N1 N2 इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में है नहीं, तो दोनों को NN मान लो फिर, तो हाँ है ना, तो 1 2 हटा दो ये। अब बताओ इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे, MG लगेगा एक नीचे, और कौन सा लगेगा, तो इधर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, इसको μN बोलेंगे, और इधर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, इसको भी μN बोलेंगे, ठीक, तो कितना फ्रिक्शन लग गया टोटल, 2μN, और वो किसको रोक रहा है, MG को रोक रहा है, हैं, अरे बोलो, देखिए जहां भी मिनिमम वर्ड देखिए, मैक्सिमम वर्ड देखिए, जस्ट वर्ड देखिए, वर्ज वर्ड देखिए, तो समझिए वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज होगा। कम से कम कितना फोर्स लगा के अप्लाई करें कि टिका रहे, अगर आप अपना फोर्स कम करते जाइएगा तो आपके नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, कम से कम लगाना है कि आप टिके रहे, मतलब बताइए वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ लीजिए अगर अंग्रेजी कमजोर है तो, मैक्सिमम मिनिमम वर्ड जहां यूज हो जाए, वर्ज जहां यूज हो जाए, जस्ट वर्ड जहां यूज हो जाए, समझ लीजिए वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक, आप बेयर मिनिमम लगा रहे हैं कि आप स्लिप ना करें, या आप बेयर मिनिमम लगा रहे हैं कि कोई चीज स्लिप कर जाए, हैं, समझ आ रही है बात, तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्लिपिंग के कगार पे हैं, और कगार का मतलब कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, अब हो गया है, यहां से निकल जाएगा इनका वैल्यू MG/2μ होगा, दोनों दीवारों को MG/2μ से धक्का देगा वो। क्या ये क्वेश्चन हमने कल स्यूडो फोर्स वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीपल टाइम्स नीट में आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ब्लॉक जा रहा है, बस जा रहा है, उस पर ब्लॉक टिका हुआ है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच द ब्लॉक डजंट स्लिप, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, मिनिमम वैल्यू पूछ लिया, कम से कम कितना एक्सेलरेशन चला कि जस्ट गिरे नहीं, मतलब वर्ज ऑफ स्लिपिंग का केस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बनाया हमने FBD, देखिए गौर से FBD देखिए क्या क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आगे, स्यूडो फोर्स पीछे, क्योंकि हम बना रहे हैं किसके डायग्राम में, डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, बस के रेस्पेक्ट में, बस कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल क्यों है, बस बस एक्सेलरेटेड इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स ले लिया, एक्स डायरेक्शन में बस के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, बस को तो रेस्ट में दिख रहा होगा, तो एन की वैल्यू MA0 के बराबर हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग लग रही है तो μ × N हो गई, और वो MG का मुकाबला कर रही है ना, N निकल गया यहां से,
ये एन निकल गया, एन निकल गया तो लिमिटिंग फिक्सचर कितना हो गया बताइए, म्यू एन, और यही म्यू एन एम जी का बराबर कर रहा होगा, तभी तो रुका हुआ वो। तो एन की जगह एम ए नॉट डाल दीजिए, वहाँ से ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन नीट में, समझ गए। ये देखिए मुश्किल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें डिसाइडेड नहीं रहता कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, अनडिसाइडेड रहता है, वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअली। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है एक्स वाई प्लेन है वो लाल रंग से, ठीक। तो इसका मतलब जेड एक्सिस हो गया पेपर के परपेंडिकुलर, समझ में आई बात। अब देखिए कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एक लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक ऊपर से दबा रहे हैं 12 न्यूटन का फोर्स ऊपर से दबा रहे हैं, समझ लीजिए ब्लॉक रखा हुआ आपके पेपर पे, ऊपर से दबा रहे हैं नेगेटिव जेड में, सही है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि ब्लॉक स्लिप ना करे, ब्लॉक का मास दिया हुआ 0.5 kg, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन कौन सा फोर्स इस पर, पहले तो एफबीडी बनाएंगे ना, आपको नहीं पता है ना, अच्छा मिनिमम वर्ड बोल रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन यूज होगा, लिमिटिंग यूज होगा, समझ गए। अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, क्योंकि हमें दो चीज़ों की जरूरत है, एक हमें जरूरत है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की, और दूसरा हमें जरूरत है, उसके लिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए टेंजेंशियल फोर्स, सही है। तो चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, आप लोग मेरे को बताइए। देखिए 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया, अब आप देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो आपका नेट फोर्स हो जा रहा है वो जा रहा है 8 न्यूटन, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आपका नेट फोर्स 8 न्यूटन है एम जी को लेकर और 3 एन को लेकर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स कितना बताइए 6 न्यूटन का, बोलिए हाँ या ना। तो ये दोनों मिलके वर्टिकल प्लेन में एक इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में आपको नेट टेंजेंशियल फोर्स देंगे, और ये नेट टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन होगा, यही स्लिप कराने की चेष्टा करेगा, बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आपका 10 न्यूटन आएगा। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, क्या दीवार छोड़ के ब्लॉक ऐसे बाहर एक्सेलरेट कर रहा है, या दीवार तोड़ के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो दीवार के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होंगे उनके बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो दीवार के परपेंडिकुलर कौन कौन से फोर्स हो गए बताइए, एक 12 न्यूटन हो गया और एक n हो गया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया बताइए 12 न्यूटन। अब कह रहा है क्वेश्चन की लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, कैसे कह रहा है, क्योंकि मिनिमम वर्ड भी यूज़ हुआ है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक होता है, वो किधर लगेगा, नेट टेंजेंशियल फोर्स के विरुद्ध में लगेगा, हाँ या ना। कितना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू एस पता है क्या, नहीं, वही निकालना है, म्यू एस ही निकालना है, तो म्यू एस निकालना है तो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू 12 रख दीजिए, और ये दोनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो इसका मतलब म्यू एस इंटू 12 की वैल्यू जो हो गई वो 10 के बराबर हो गई, तो म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताइए, 5/6 के बराबर हो गई, बोलिए समझ में आया। जल्दी से एक कंसेप्ट समझते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिए आप एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई हिंज वगैरह लगा हुआ है, आप इसको लगातार ऐसे करके उठा सकते हैं, उठा के इंक्लाइनेशन बढ़ाते जा सकते हैं। इस पे आपने एक ब्लॉक रख दिया, अब आप इसको उठाते जाइए, ब्लॉक नहीं गिरेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, उठाते जाइए, एक पॉइंट आएगा, एक एंगल आएगा जहाँ पे जाके ब्लॉक नीचे स्लिप करने के कगार पे आ जाएगा, करने लगेगा, उस एंगल को क्या कहते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज इज व्हाट, इट इज द मिनिमम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इट इज द मिनिमम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल टू विच एन इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी रेज, कि उस पर रखा हुआ ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, जब वर्ड स्टार्ट आ गया अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस यहाँ लेके चलेंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज को हमने थीटा से दिखला दिया, याद रखिए एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन को मैं अल्फा से दिखला रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये वेरी कर रहा है और ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये आ गया मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जिस पर स्लिपिंग शुरू हुई, तो अल्फा का एक पर्टिकुलर वैल्यू है थीटा, ठीक। हाँ सुनिए, अब एफ बी डी बनाइए, अब मैंने नॉर्मल बनाया नहीं है लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे इंक्लाइन प्लेन है ना भाई, अरे होगा कि नहीं होगा, तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है आपको पता है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, ये इन दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, हैं, अरे इन दोनों को बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर आएगा, तो टेन थीटा आ गया, देखिए म्यूस के बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यूस आ गया, एम जी तो कट गया ना, अरे कुछ बोलोगे, समझ में आ रहा है, हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज हो गया टेन इनवर्स म्यू के बराबर, या टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर अगर प्रॉपरली कहेंगे तो, ठीक। यहाँ तक का डेरिवेशन समझ में आया, अब इसको करते क्यों, ड्राइव ये समझिए, सीधी बात है,
अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, खाली इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को अपने एमजी साइन अल्फा के वजह से ही स्लिप करना है खुद से, तो तब तक नहीं करेगा जब तक आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पे समझिए, अगर आपका एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होगा तो ब्लॉक खुद से स्लिप नहीं करेगा। ठीक, तो जब आपको प्रॉब्लम दे तो आपको यह सोचना है कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है कि छोटा है। देखिए, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, देखिए आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया रहेगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, और आप टैन इनवर्स लेके थीटा तो नहीं निकाल सकते, तो आप थोड़ा मैथमेटिकली दूसरा जुगत लगाइए। क्या लगाइए मैं बताता हूं, अगर अल्फा थीटा से कम है, रिपोज से कम है, तो टैन अल्फा टैन थीटा से कम होगा, और टैन थीटा म्यू उसके बराबर होता है, हमने पढ़ा अभी। तो आप कंपेयर किसको कीजिएगा, आप अल्फा और थीटा मत कंपेयर करिए, क्योंकि थीटा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको म्यू एस मिला रहेगा। अगर म्यू एस मिला है तो थीटा कैसे निकलेगा, टैन इनवर्स म्यू एस से निकलेगा। टैन इनवर्स लेने के लिए आपके पास लॉग टेबल होगा नहीं, इनवर्स टेबल होगा नहीं, तो आप कंपेयर किसको कीजिए, जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है उसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, बताइए, म्यू एस से। ये कंपैरिजन करना है, उसके टैन अल्फा को कंपेयर करना म्यू एस से। समझ में आ रही बात, अगर वो टैन अल्फा म्यू एस से कम या बराबर है, कम है या बराबर, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, तो किसके बराबर लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स के बराबर। टेंजेंशियल फोर्स कौन है स्लिप कराने वाला, एमजी साइन अल्फा, सही है, डेड कॉन्टैक्ट फोर्स फिर से निकाल लीजिए। इंटरेस्टिंगली ठीक, अब इस केस में नेट कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए कितना होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा आपका एमजी कॉस अल्फा, और फ्रिक्शन आपका हो गया एमजी साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है, एमजी कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी आपकी आर की वैल्यू एमजी के बराबर आएगी इस केस में। अरे तो आनी है ना, ये बताओ ब्लॉक के ऊपर नेट नेट दो एजेंट्स हैं फोर्स देने वाले, एक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी दे रहा है, दूसरा सरफेस दे रहा है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, और ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एमजी के बराबर हो जाएगा, कॉमन सेंस है। अगर आपका टैन अल्फा म्यू एस से बड़ा आता है तो एक्सेलरेट करेगा, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो भैया नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, जो स्लिप करा रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है एमजी साइन अल्फा। अरे बाबा कौन सा फोर्स स्लिप करा रहा है इसको, एमजी साइन अल्फा, रोक कौन रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, कि एमजी साइन अल्फा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, एमजी साइन अल्फा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस बार आपका फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताइए, ऑब्वियसली लिखा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एमजी कॉस अल्फा। उसके बाद आप नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लीजिए अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन के स्क्वायर से। बोलिए समझ में आ रहा है, ये आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फा इसमें भी कॉमन मिलेगा आपका। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ आइए, दिख रहा है ब्लॉक, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जो भी स्लिप करना है इंक्लाइन प्लेन की वजह से करना है कि नहीं, एक्सेलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना। सबसे पहले हमने क्या किया, टैन अल्फा निकाला, टैन अल्फा किससे कंपेयर किया, म्यूएस से, टैन अल्फा टैन 37 होगा, टैन 37.75 होता है, 3/4 होता है, म्यूएस से कम आ गया, बताइए स्लिपिंग होगी, टैन अल्फा म्यूएस से कम है, नहीं होगी, तो नो स्लिपिंग का मतलब एक्सेलरेशन तो ऐसे ही पता चल गया, जीरो हो गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब आइए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो भैया जितना भी इसका एमजी साइन 37 लग रहा है निकाल लो, सो 2g साइन 37, साइन 37 3/5 डाल दो, 12 न्यूटन आ जाएगा इसका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आ गया 12। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, लेकिन ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब एक्सेलरेट नहीं करेगा तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होगा, लेकिन इस बात को याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ रिपोज वाला फंडा वही लगाना जहाँ इंक्लाइनेशन के अलावा स्लिपिंग में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई दूसरा फोर्स नहीं घुस गया, कोई धक्का नहीं दे रहा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, स्लिपिंग का होना या ना होना केवल इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा हो जहाँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी केस में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए कर देता आपका 0.3 तो स्लिप कर जाता, अगर 0.3 कर देता है ना, सही है, या इवन 0.6 ही ले लेता तो भी स्लिप कर जाता, तो फिर आप क्या करते, तो आप पहले निकालते काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना निकालते काइनेटिक फ्रिक्शन, 0.6 इंटू 2g cos 37। अरे भैया अभी तो बताया था नॉर्मल रिएक्शन एमजी कॉस अल्फा होता है, तब आप फ्रिक्शन निकालते और उसके बाद फिर आप एक्सेलरेशन निकालते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना है ना, म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू 0.6 ले लेना, ठीक, और आप इस क्वेश्चन को रिपीट करना, तो आपको निकालना होगा एक्सेलरेशन, आपको निकालना होगा फ्रिक्शन फोर्स, और आपको निकालना होगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तीनों निकालना होगा, तो अगली क्लास में करके लाना, आज के डेट में तो इतना ही करेंगे। नीट लेवल के क्वेश्चन यहाँ तक जो पढ़ाए इससे बन जाने चाहिए सारे के सारे, अभी तक जो पैटर्न चल रहा है इसके बियॉन्ड नीट लेवल में क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, आज यहीं तक।
रहने दो, क्रॉस मत करो, आवाज़ नहीं आई। तो देखिए पुलिंग एंड पुशिंग में कल भी आप लोगों को बताया था कि जब हम पुल करते हैं तो हमें एफर्ट कम करना पड़ता है पुश करने के कंपैरिजन में, स्पेशली इंक्लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पुलिंग एंड पुशिंग के केस को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखिए डायग्राम है, हम किसी ब्लॉक को इंक्लाइन पुल कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक का जो फोर्स लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये कॉम्पोनेंट क्या करेगा, ऊपर लगेगा, ये इधर लगेगा, सही है। अब पहला स्टेप क्या बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो वाई डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ए वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए, जीरो हो गई। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। ऊपर का फोर्स कितना है बताइए, एफ साइन अल्फा है और एन है, और नीचे का फोर्स कितना है, एम जी है। तो इससे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई एम जी साइन माइनस एफ साइन अल्फा। एम जी माइनस एफ साइन अल्फा का वैल्यू तो एम जी से कम होता है ना, होता कि नहीं होता, माइनस हो गया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा बताइए, कम हो जाएगा, तो हमें खींचना आसान हो जाएगा। तो इंक्लाइंड पुलिंग में मेहनत सबसे कम लगेगी। पुशिंग के केस में क्या होता, ये देखिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। अब अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा बताइए, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे बनेगा एक ऊपर इधर बनेगा हॉरिजॉन्टल। जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा ये ऑफ कॉस अल्फा होगा, और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन अल्फा होगा। तो अब अगर वाई डायरेक्शन का हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा बताइए हमारा, एफ साइन अल्फा भी नीचे, एम जी भी नीचे और एन ऊपर। तो एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एफ साइन अल्फा, जो कि एम जी से बड़ी होगी, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हाई होगा फिर हमारा, ठीक है। फोर्स लग रहा है, पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन से 37 डिग्री एंगल पे, म्यू एस म्यू के दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताओ कल स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताया था आप लोगों को, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या बताया था, स्टेप नंबर वन था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। तो एफ के दो कॉम्पोनेंट ले लीजिए, एक कॉम्पोनेंट एफ का ऊपर चला जाएगा, एक कॉम्पोनेंट साइड में चला जाएगा। ऊपर जाएगा 20 sin 37, इधर जाएगा कितना जाएगा 20 cos 37। 20 cos 37 की वैल्यू हो गई, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 न्यूटन। 20 sin 37 की वैल्यू हो गई, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 न्यूटन। और कौन कौन सा फोर्स बनेगा इस पे बताओ, एम जी बनेगा नीचे, कितना बनेगा एम जी 20 न्यूटन। और कौन सा फोर्स बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, समझ रहे हैं बात को। सेकेंड स्टेप में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अपवर्ड का ए वाई तो जीरो है ना, ऊपर का नेट फोर्स कितना हो गया, एन प्लस 12 हो गया, और नीचे का कितना हो गया 20। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई, 8 न्यूटन आ गई। ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा, बिना नॉर्मल के फ्रिक्शन नहीं निकल सकता, ठीक है। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन है। म्यू एस कितना है, 0.6 है। एन कितना है, 8 न्यूटन है। एन कितना है, 8 न्यूटन है। कितना आ गया ये, 4.8 न्यूटन आ गया, ठीक। ये अगला स्टेप है, हाँ। तो अगला स्टेप होगा, हम टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। टेंजेंशियल फोर्स उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है जो सरफेस के पैरेलल होते हैं। सरफेस के पैरेलल सभी फोर्सेस को तोड़ दीजिए और परपेंडिकुलर, उनका रिजल्टेंट निकालिए और फ्रिक्शन उसमें मत लीजिएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स के नाम पे कौन है फोर्स है बताओ, यहाँ पे 60 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है। ये अगला स्टेप हो गया 20 cos 37, ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे किसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, टेंजेंशियल फोर्स के साथ, और यही आपको बताएगा फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। तो बताइए कौन बड़ा है, टेंजेंशियल फोर्स बड़ा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है, टेंजेंशियल फोर्स बड़ा है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ स्लिपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ स्लिपिंग कन्फर्म हो गई, स्लिपिंग कन्फर्म्ड हो गई, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, कितना होगा म्यू के इन टू एन, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना हो गया 4 न्यूटन, ठीक। अब एक्स डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स कितना लग रहा है बताइए, 16 न्यूटन इसको आगे भगा रहा है और 4 न्यूटन इसको अपोज कर रहा है। सो दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, 12 = 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 m/s इसको। बोली कोई दिक्कत। अब आइए, फ्रिक्शन आपका निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, अब आते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पे। बताइए नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते थे हम लोग, क्या फॉर्मूला बताया था नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हाँ। कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और दूसरा टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है बताइए, 8 है। फ्रिक्शन कितना बताइए, 4 है। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट लेना मुश्किल नहीं होगा।
कितना हो गया बताइए, इसको हम आर कहते हैं, कितना हो गया अंडर रूट एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, अंडर स्क्वायर अंडर रूट एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर न्यूटन हो गया। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखिए फॉलो किया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो प्रॉब्लम की एनालिसिस करो जरा, पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ अच्छे से। अ ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज न्यू। ठीक, अ फोर्स एफ इक्वल टू एम जी, फोर्स की वैल्यू एम जी के बराबर है जो लगा रहे हैं, वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ। ठीक, तो कहता है कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ये ब्लॉक जो है पुल कर लिया जाए। बताइए इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? ब्लॉक नहीं, जब जस्ट वर्ड यूज हो जाए, मिनिमम वर्ड यूज हो जाए, मैक्सिमम वर्ड यूज हो जाए, है ना, वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो जाए तो लिमिटिंग लगता है। तो यहाँ फ्रिक्शन डिसाइड करने की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, ये देखिए ये आपका एफबीडी हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए ये कन्फर्म हो गया कि ये म्यू एस इंटू एन होगा, म्यू इंटू एन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ एक ही म्यू दिया हुआ है ना, वही म्यू की वैल्यू आपको इनक्वालिटी में निकालनी भी। स्टेप नंबर टू क्या था हमारा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालिए, निकालिए। चलिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना, क्या क्या हो गया बताइए, एन प्लस एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना हो गया, एफ कॉस थीटा माने एम जी कॉस थीटा, है ना, तो एम जी कॉस थीटा लिखते हैं, और नीचे में तुम्हारा एम जी आ गया, है ना, तो एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ किसी को डांट पड़ेगी। अगला स्टेप क्या था हमारा? अब तो यहाँ तो पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा तुम्हारा, और ये अगर इसको जस्ट जस्ट खींच रहा है तो इसका मतलब आपका जो एम जी साइन थीटा होगा ये बराबर होगा एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू म्यू के। यस, बिल्कुल सही है। ये इसको खींच ले रहा है, खींच ले रहा है मतलब आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है एम जी साइन थीटा वो या तो बड़ा है, मतलब बड़ा ही लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे ना, इक्वल में कैसे खींच पाएगा, बड़ा लिखेंगे, अरे बोलो, ठीक क्या लिख रहा है, कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस, तो बड़ा होना चाहिए। अब देखो एम जी कट गया दोनों तरफ, कट गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर आ गया किससे, म्यू इंटू वन माइनस कॉस थीटा से, बोलो हाँ है ना। अब लग जाएगी 11th की ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, बोलो लिख सकते हैं, और वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, अब इसको लेके आ जाइए यहाँ पे, एक साइन थीटा बाई टू हट जाएगा, टू हट जाएगा, तो क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में बताइए, कॉस थीटा बाई टू। राइट हैंड साइड में क्या बच गया बताइए, म्यू इंटू साइन थीटा बाई टू बच गया। क्या आ गया, कॉट थीटा बाई टू आ गया इधर, ग्रेटर देन म्यू, कॉट थीटा बाई टू ग्रेटर देन म्यू, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन म्यू होगा, ये सारे ऑप्शन में से इक्वल टू हटा दीजिएगा। पुशिंग के केस में कि भाई टेंजेंशियल फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसको खींच लेगा। पुशिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें और हैं, आइए उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, और इसको डील करेंगे तो साथ साथ हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले पुशिंग का डायग्राम समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि फाइंड कंडीशन दैट द ब्लॉक स्लिप्स, ठीक है, अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है भाई साहब, ये स्थिति हो गई है, फाइंड कंडीशन दैट द ब्लॉक स्लिप्स, ब्लॉक को स्लिप करने के लिए कंडीशन ड्राइव करो। तो आप बोलेंगे सर टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, स्लिप करने लगेगा, नहीं, इसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है, मैं आपको बताता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एफबीडी में कोई दिक्कत, एफबीडी क्लियर है क्या भैया तुमको, क्लियर है? देखो एफ ऐसे धक्का दे रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा किया, लुक एट दिस एफबीडी, एनी प्रॉब्लम्स टेल मी, बताइए नॉर्मल रिएक्शन में कोई दिक्कत, करेक्ट है। चलिए जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन लगाते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, मतलब किसको ओवर क्रॉस करेगा लिमिटिंग, तो वर्ज ऑफ स्लिपिंग की अगर बात करें तो टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। बताइए टेंजेंशियल फोर्स कितना है, जल्दी बताइए यार, टेंजेंशियल फोर्स कितना है, बिल्कुल सही बात, थीटा कब बन गया ये, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एम जी प्लस एफ कॉस अल्फा, बोलिए हाँ या ना, आपको निकालना है पहले एफ, हाँ या ना, तो एक काम करिए ना, एफ कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा हो जाएगा, उस वाले एफ को इधर लाएंगे और यहाँ बचेगा म्यू एम जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब यहाँ से एफ निकाल लिया हमने, एफ कितना आया, एफ आ गया हमारा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। अच्छा ये बताइए क्या इस फोर्स के नेगेटिव आने का कोई लॉजिकल रीजन हो सकता है, कैन दिस आंसर बी नेगेटिव समहाउ, एंड विल इट मेक सेंस इफ इट इज नेगेटिव, नो वी आर नॉट कन्फ्यूज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जनरली इफ द आंसर इज कमिंग नेगेटिव फॉर अ वेक्टर वी टेक द रिवर्स डायरेक्शन, वी हैव टू पुश, इट इज क्वाइट क्लियर, सो वी कैनॉट पुश इट लाइक दिस, कैन वी पुश इट लाइक दिस, नो, सो नेगेटिव आंसर विल मेक नो सेंस, एम आई राइट, नेगेटिव आंसर विल मेक नो सेंस, सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली अंडर द कंडीशन व्हेन द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑलरेडी पॉजिटिव, न्यूमरेटर तो पहले से पॉजिटिव है, नेगेटिव आने का चांस कहाँ पे है बताइए, डिनोमिनेटर पे, जो कि आना नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कितना है,
साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा. सो द डिनोमिनेटर साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव. बताइए ये स्टेप तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. यानी साइन अल्फा म्यू कॉस अल्फा से बड़ा होगा. वेरी गुड. यानी कॉस को इधर ले, टैन अल्फा म्यू से बड़ा होगा. टैन अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड नॉर्मल. नॉर्मल माने सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसका टैन अल्फा म्यू से बड़ा होना चाहिए. ये भी एक कंस्ट्रेंट लग गया. मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे ब्लॉक है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, समझ रहे हैं बात को, और यहाँ म्यू एस दिया हुआ आप, और आपने फोर्स लगाया, सुन रहे हैं बात को, और फोर्स का एंगल वर्टिकल के साथ कितना हो गया बताइए. मान लीजिए अल्फा हो गया, ये फोर्स लगा रहे हैं, और किसी हालत में अगर टैन अल्फा की वैल्यू म्यू एस से क्या है बताइए, कम है, तो आप इन्फिनिटी फोर्स भी लगा दीजिए तो स्लिप नहीं करेगा. अगर टैन अल्फा की वैल्यू म्यू एस से बड़ी नहीं है तो आप जितना मर्जी उतना फोर्स लगा दीजिए, पुशिंग में स्लिप नहीं करेगा. लॉजिकल रीजन समझिए. देखिए अगर आपका टैन अल्फा म्यू एस से बड़ा है तो आप पुश करने में जितना मर्जी फोर्स लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बढ़ता जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली. एक पर्टिकुलर एंगल गेन करना होगा आपको, तभी आप पुश कर सकते हैं. ठीक है? एंड यू कैन ट्राई प्रैक्टिकली. नो स्लिपिंग अगर टैन अल्फा म्यू एस से कम है या इवन बराबर है. ठीक है? वॉट एवर बी फोर्स, फॉर एनी फोर्स यू टॉक, फॉर एनी फोर्स, एनी फोर्स यू टॉक, स्लिप नहीं करेगा. सर जब बराबर हो जाएगा उस केस में क्या कहते हैं? वर्ज ऑफ स्लिपिंग. उसको वर्ज ऑफ स्लिपिंग कहेंगे, लेकिन स्लिप वहाँ भी नहीं हो रहा है. स्लिप करने का मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन और जितने जितने रिस्ट्रिक्शन है सबको तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके स्लिप करेगा. ठीक है? इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? तो पहला काम क्या करेंगे? टैन अल्फा निकालेंगे. एफबीडी बनाने से पहले भी क्या करेंगे बताइए? टैन अल्फा निकालेंगे. अभी सुन तो लो, शुरू हो गया. पहला स्टेप टैन अल्फा चेक करो. अगर टैन अल्फा म्यू एस से कम है बराबर, तो स्लिपिंग होगी नहीं, तो आगे क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. ठीक. फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? टेंजेंशियल स्टैटिक. और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होता है. टेंजेंशियल फोर्स कितना था इस केस में? एफ साइन अल्फा था. अरे स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होता है, ये तो पता है ना सबको, इक्वल एंड अपोजिट होता है. तो टैन अल्फा अगर म्यू एस से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या स्लिप करेगा? ना, गारंटी नहीं. अब यहाँ से आप अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे. कार्यक्रम क्या था बताइए? सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सब कुछ निकाल लिया. अब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन और टेंजेंशियल फोर्स को कंपेयर करें. अगर आपका टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ गया या बराबर आ गया, तो फिर से चले जाइए गेट बैक टू केस वन, नो स्लिपिंग. अगर टेंजेंशियल फोर्स भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आया, तब आप सोचिए कि भाई ये स्लिप करेगा कि मतलब स्लिप करेगा, और इसकी एक्सेलरेशन निकाली और कुछ निकाली. तो क्या क्या चेक करना पुशिंग के केस में समझ में आया? टैन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू. म्यू क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है. 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 53 डिग्री पे, 2 केजी है, म्यू एस म्यू के दिया हुआ है. आपको बताना एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा. अरे ढक्कनो, एंगल लेना है नॉर्मल के साथ. नॉर्मल के साथ एंगल 37 होगा. हाँ. उसका टैन अल्फा 0.75 आएगा. बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. और वो म्यू एस से बड़ा है तो स्लिपिंग हो सकती है. स्लिपिंग. अब बेसिक प्रोसेस लगाओ, टेंजेंशियल फोर्स निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया 36 न्यूटन. 20 न्यूटन का कंपोनेंट आ रहा है नीचे की तरफ 16 और साइड की तरफ 12. यह आया है? यस सर. वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लगेगा? 16 प्लस 20, ये दोनों मिला के नॉर्मल रिएक्शन देंगे. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के बाद क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया. लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया. टेंजेंशियल फोर्स पता है आपको कितना है? टेंजेंशियल फोर्स बताइए. 12. तो बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, कम है, बराबर है, क्या है? तो फाइनली एक्सेलरेशन 0 आ गया. फ्रिक्शन स्टैटिक ही लगेगा इसलिए 12 के बराबर. हाँ, स्लिप नहीं कर रहा है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, 12 आ जाएगा. नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एफ स्क्वायर का रिजल्ट निकल. तो ये आंसर आ जाएगा नॉर्मल नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का. यहाँ तक देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. तो अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए. इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ द ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स. सो एज यू कैन सी द इन डायग्राम, देर इज अ टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन. देर इज अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. एंड देन देर रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड वट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स? इस एंगल को हम फाइव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. लेट इट बी फाइव, थोड़ी देर के लिए फाइव मान लेते हैं. समझ में आई बात? फाइव मान लो, लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो, फाइव एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं, लैम्डा मान लो. तो दिस इज द एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट. इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. कैसे निकलेगा आइए देखते हैं. सबसे पहले बताइए यहाँ पर टैन लैम्डा आप क्या लिख सकते हैं? कैन यू राइट टैन लैम्डा एज एफ बाई एन? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है.
ओके, लैम्डा की आपको चाहिए मैक्स वैल्यू, है ना, फॉर गिवन नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का जो होगा वो लैम्डा मैक्स दे देगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताइए, म्यू एस इनटू एन, फॉर अ गिवन नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एस इनटू एन होगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक, तो टेन लैम्डा एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एस, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है फाई, वैल्यू किसके बराबर होती है म्यू एस, पिछली क्लास में आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था याद है, न्यूमेरिकली उसके बराबर होता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, वो मेजर होता है हॉरिजॉन्टल से, ये मेजर होता है नॉर्मल से, वर्टिकल मत बोलना, सरफेस के नॉर्मल से इसको मेजर करते हैं, वैल्यू दोनों की सेम होती है, टैन इनवर्स नहीं होती है। तो अभी जो आप पुशिंग में लिख रहे थे ना कि इतना एंगल के बियॉन्ड जाने पे ही पुश कर पाएंगे, वो यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, अगर आपका फोर्स अप्लाइड नॉर्मल से अल्फा एंगल पे हो रहा है तो टैन अल्फा या अल्फा की वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पुश कर पाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं बताओ, मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हो, जैसे ऐसे पुश कर रहे हो आप, ठीक, और ये आपका फोर्स जो है वो नॉर्मल से यानी सरफेस के परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक, सो फॉर सक्सेसफुल पुशिंग, अगर हम पुशिंग इसको कर पा रहे हैं तो तभी पॉसिबल है जब इस अल्फा का जो एंगल है, जो फोर्स अप्लाइड का एंगल है नॉर्मल के साथ, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो, ज़्यादा, अरे यही तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अरे भैया अगर दोनों तरफ टैन ले ले तो टैन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन टैन फाई, और टैन फाई को क्या लिख सकते हैं बताइए, म्यूएस लिख सकते हैं, तो आ गया ना वही चीज़ जो पढ़ाई थी कि टैन अल्फा का वैल्यू म्यूएस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बोलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना, इसका सबसे आसान क्वेश्चन जो होगा वो भी मुश्किल होगा, ठीक है, तो उस पे आते हैं। तो सबसे पहले दो ब्लॉक का एक सिस्टम रखा हुआ है, ध्यान से देखिए M1 M2, अरे हाँ तो बोलो, ठीक, और इसमें तीन केसेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, पहला केस हम ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहे हैं अपर ब्लॉक पे, दूसरा केस में भी हम ऊपर वाले फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ ये दोनों केस डिफरेंस कैसे है, मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंट है, अभी पता चल जाएगा, नहीं 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 डायरेक्शन ऑफ फोर्स वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स का अंतर है, मैं समझाऊंगा ये दोनों केस अलग अलग क्यों है। देखिए पहला केस जो है इसमें नीचे वाला जो ब्लॉक है कतई मूव नहीं करेगा, मतलब ऑलमोस्ट ये बिहेव करेगा रिजिड सर्फेस की तरह, दूसरे वाले में ये भी स्लिप कर सकता है नीचे, ठीक है, तो इसमें क्या मेन अंतर है मैथमेटिकली, क्या अंतर होगा ये मैं भी समझाऊंगा, और तीसरा केस इसमें हम पढ़ेंगे जब आप फोर्स नीचे वाले पे लगा रहे हैं, कैपिटल एफ मतलब फोर्स अप्लाइड, कैपिटल एफ मतलब क्या है अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ मतलब क्या है अप्लाइड फोर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक डायग्राम समझ में आ रहा है, अब ध्यान से देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गौर से देखिए, ठीक है, देखिए इस सरफेस का स्टैटिक और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू एस वन और म्यू के वन मतलब इस सरफेस वन की बात हो रही है, म्यू एस टू और म्यू के टू मतलब इस सरफेस टू की बात हो रही है, जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखे हुए हैं समझ में आ गए, चलिए बताइए इस सरफेस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, हम सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, ऊपर से कोई भी फोर्स वर्टिकल नहीं लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो बताइए इस सरफेस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, सरफेस वन पे, ये सरफेस वन है, बताइए व्हाट इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दिस सरफेस, सो द नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द सरफेस वन विल बी M1g, अब बताइए सरफेस टू पे कितना होगा, इज इट टफ टू कैलकुलेट, नो, क्या इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद आप इन दोनों सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं, क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस वन और सरफेस टू के सही लिखे हुए हैं, गो थ्रू देम, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब आपको केस वन और केस टू का अंतर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा फोर्सेस की डायरेक्शन समझिए, आप फोर्स किस पे लगा रहे हैं बताइए, आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले पे, तो आइए बाकी फोर्सेस की डायरेक्शन देखते हैं, यानी फ्रिक्शन की, अगर इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो बताइए इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस सरफेस का, सरफेस वन का पीछे लगेगा, यही सरफेस वन का फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक वन की टेंडेंसी ब्लॉक टू के रेस्पेक्ट में स्लिपिंग की किधर है, आगे की तरफ, और ब्लॉक टू की स्लिपिंग ब्लॉक वन के रेस्पेक्ट में किधर की है, पीछे की तरफ, तो स्लिपिंग को क्या करता है फ्रिक्शन, अपोज करता है, क्या एफ वन की डायरेक्शन दोनों ब्लॉक से ऊपर क्लियर है सबको, इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वन क्लियर ऑन बोथ द ब्लॉक्स, बोल समझ में आ रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्लॉक एम वन को बोल रहा है यार स्लिप मत करो, और इस पे इधर किस लिए लग रहा है, कह रहा है कि ब्लॉक टू को क्या ब्लॉक एम वन के साथ चलो कि स्लिपिंग ना हो, समझ में आ रही है, अब बताइए ग्राउंड का फ्रिक्शन ब्लॉक टू पे किधर लगेगा, तो देखिए ब्लॉक टू को इंडिपेंडेंटली देखिए, इस ब्लॉक को अगर आप इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं तो इस पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है बताइए, खाली एफ वन लग रहा है इधर, बोलिए हाँ या ना, तो इसकी इस एफ वन की वजह से स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर बन रही है, आगे की तरफ बन रही है, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा बताइए, तो क्या फ्रिक्शन के सारे डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, दो सर्फेसेस हैं दोनों पे फ्रिक्शन जो लग रहे हैं हर ब्लॉक पे समझ में आ रहा है डायरेक्शन उसका कि नहीं आ रहा है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया अभी, है ना,
नीचे वाले ब्लॉक को ग्राउंड पे ड्रैग करना यानी खींचने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? लुक एट द नीचे वाला ब्लॉक ओनली, एफ वन। अब एफ वन की कुछ ना कुछ तो लिमिटिंग वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, है एफ एल वन, और उस ब्लॉक को रोकने के लिए काम कर रहा है एफ एल टू। अगर एफ एल टू की वैल्यू एफ एल वन से बड़ी हुई तो क्या नीचे वाला ब्लॉक कभी स्लिप कर पाएगा? अगर ये एफ एल टू एफ एल वन से ज़्यादा हो गया, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, तो ब्लॉक टू हमेशा ग्राउंड पे स्टक रहेगा ना, डायरेक्ट तो हम फोर्स लगा नहीं रहे हैं। तो यहीं पे हमने इसके दो केसेस बनाए हैं। पढ़िए दो केस क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़िए। एफ एल टू की वैल्यू एफ एल वन से क्या है बताइए? ज़्यादा, यानी एम टू ग्राउंड पे स्लिप कतई नहीं करेगा, यानी केवल एम वन एम टू के ऊपर स्लिप करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। और सेकेंड केस देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एल टू की वैल्यू एफ एल वन से कम है, आया ना, यानी नीचे वाला ब्लॉक भी स्लिप कर सकता है। तो डायग्राम में अंतर नहीं है, अंतर जो है वो यहाँ है, इस जगह पे। दोनों केस का अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपको अंतर समझ में आया? Yes. दोनों केस अलग अलग क्यों लिए गए हैं, आइए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हमें एफ की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ क्या है, पढ़िए। अप्लाइड फोर्स का वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए एम वन एम टू के ऊपर स्लिप करने लगे। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? अप्लाइड फोर्स का वो मिनिमम वैल्यू, इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड जिसके लिए, चाहे जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो, जिस केस में भी कर रहे हो, एफ की कम से कम वैल्यू जिसके लिए एम वन एम टू के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाए। क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर विच एम वन डजंट स्लिप्स ऑन एम टू? ये भी तो सकता है ना, या तो मिनिमम निकालो जिसके लिए स्लिप हो जाए, या मैक्सिमम निकालो जहां तक स्लिपिंग ना हो। वर्ड एक ही है, दोनों क्रिटिकल फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं बन गया ना यार, आप समझो, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा वो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करोगे? दो दो फ्रिक्शन है भाई, जमीन पे भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो खाली इतना प्लेन आंसर नहीं होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और इट इज द क्रिटिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर विच एम वन कम्स टू वर्ज ऑफ स्लिपिंग ऑन, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये तीनों वर्ड्स जो हैं, तीनों सेंटेंसेस जो हैं, ये सेम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन तीनों केसेस के लिए उसकी वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा फोकस रखिए। आइए फर्स्ट केस को अब दोबारा देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट केस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे पहली चीज हम इसमें ये मानेंगे, हमें क्या दिया, हमें उस समय का फोर्स निकालना है जब एम वन एम टू के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब लोग क्या निकालना है? हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो M1 M2 के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, पहले ये सपोजिशन लेके चलेंगे हम, ठीक। सो लेट सपोज द कंडीशन कि हमारा M1 M2 के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। अच्छा देखो, फर्स्ट केस में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट केस में तो आपका क्रिटिकल वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि यार जमीन पे सेकंड वाला ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा ना, ये तो तय हो गया, क्योंकि भाई उसको खींचने वाला जो F1 था वो F2 के लिमिटिंग वैल्यू से हार गया। अरे हार गया ना, अरे हार गया कि नहीं हार गया? तो ये तो जमीन के साथ जुड़ गया ना अब, तो ये जमीन ही है ना, तो जमीन के ऊपर खाली तुमको अब स्लिप किसको कराना है बताओ? M1 को कराना है। अरे बोलो, और M1 को तुम खींच रहे हो ऐसे, हाँ है ना, और M1 को अपोज कौन कर रहा है बताओ? F1 अपोज कर रहा है, सही है। तो उस हालत में तो तुमको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ को ही पास करना होगा ना। तो इस केस में क्रिटिकल फोर्स निकालना सबसे आसान है, दैट इज इक्वल टू एफ एल वन। ये कौन सा केस है बताइए, जिसमें हम श्योर हैं कि नीचे वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अब चाहे जैसे श्योर हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के थ्रू से और हो जाए, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो, इसमें रस्सी बांध दो, दीवार के साथ लगा दो, ये भी तो हो सकता है ना। yes. नहीं समझे, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो भी यही केस लगेगा फिर। अब आइए सेकंड केस पे आते हैं। इस केस का क्रिटिकल फोर्स म्यू एस वन इंटू एम वन जी है, यानी सरफेस वन का लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। बोलिए, समझ में आ गया? अब आइए सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या था? अब ग्राउंड पे आपका नीचे वाला ब्लॉक क्या कर सकता है? स्लिप कर सकता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ आपस में बिना स्लिप किए जमीन पे ग्राउंड पे एक साथ स्लिप कर रहे हैं, ठीक। सो वी हैव अज्यूम दिस सिचुएशन, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट वी आर डूइंग हियर? यहां हमने मान लिया है कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, किंतु कंबाइंड ब्लॉक एक साथ स्लिप कर रहा है, जैसे अभी दिखा रहा था मैं आपको कॉपी को स्लिप करवा के, ठीक। फिर से दिखाऊं, क्लियर है? ये मान लिया, तो क्या हम इस पूरे ब्लॉक को एक यूनिट ले सकते हैं क्या? और जैसे ही आपने इसको एक यूनिट ले लिया, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन था तो इंटरनल हो गया ना फिर, जिसको हम F1 कह रहे थे। तो F1 गायब? अरे F1 गायब कि नहीं? अरे गायब ना, अरे बोलो ना, गायब। अब बताओ सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है जो तुम लगा रहे हो, और रोकने वाला कौन है? काइनेटिक फ्रिक्शन यहां का। काइनेटिक कैसे सोच लिया? क्योंकि मैंने कहा है कि ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है। तो क्या इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मैं इतना लिख सकता हूं, फोर्स जितना लगाया माइनस एफ के टू डिवाइडेड बाई एम वन परसेंट टू? बोले, लिख सकता हूँ
ध्यान से सुनिएगा, हम डेराइव करने जा रहे हैं कुछ जिसको हम रटेंगे, तब हम इतने बड़े प्रोसेस से बच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ डेराइव करने जा रहा हूँ, जिसको आप रट लेंगे तो फिर आप पूरा प्रोसेस करने से बच जाएंगे बार बार। अब सुनिए, ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस नीचे वाले ब्लॉक को खींचे और ऊपर वाला वही रह जाए? वो अगले केस में आएगा, जब नीचे फोर्स लगेगा। वो अगले केस में आएगा, वो नीचे फोर्स लगेगा ना, वो थर्ड केस है। अभी हम ऊपर वाले फोर्स पे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसके दो केसेस देख रहे हैं, दैट विल बी केस सी, ठीक ना। लेकिन अगर मुझे बीच की फ्रिक्शन की एनालिसिस करनी है तो बीच का फ्रिक्शन का एनालिसिस कैसे होगा जब दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा? क्योंकि कंबाइंड डायग्राम में तो बीच का फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, वो तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। अरे बोलो ना, तो बताइए एम वन के एफ बी डी को खाली आप ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्या क्या लग रहा है M1 पे देख लीजिए भाई, सही है। और ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है बताइए? स्टैटिक। क्यों स्टैटिक है बताइए? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, तो हमने डिसाइड कर लिया पहले, यही लेके चल रहे हैं सपोजिशन। तो अब बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि F-F1S=M1A1? एक्सेलरेशन दोनों का बराबर है, यहां तक कोई दर्द तकलीफ परेशानी? अब आप इससे बताइए F1S की वैल्यू इतनी लिख सकते हैं क्या? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आ रहा है, देखिए भाई ध्यान दो, ये देखिए क्या इतना लिख सकते हैं? अरे बोलिए यार, अब बताइए A1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? अभी अभी आपने A1 की वैल्यू निकाली थी, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक दिख रहा है यहाँ पे? अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, जरा फोकस करिए, ये देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली हुई यहाँ पे, ये स्टेप क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को तोड़ा है, M1 × F / M1 + M2 आएगा और फिर F2 / M1 + M2 आएगा। इस ब्रैकेट को तोड़ के एफ वाले टर्म फोर्स को एक तरफ किया है हमने, और उससे फिर हमने एफ की इनइक्वालिटी बनाई है, ठीक। कॉपी पे करके दिखा दूँ, समझ में आ रहा है? खोलिए अपनी अपनी नोटबुक खोलिए, डेराइव करके दिखा दिया है। आप जिसको सॉर्ट आउट करेंगे, पहले F1S की वैल्यू निकालेंगे और आप यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद इस F1S को FL1 से कम लिखेंगे। FL1 की वैल्यू कितनी होती है? μS112M1g होती है। ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी बनेगा। इस इनइक्वालिटी से जब आप F की वैल्यू निकालेंगे तो F विल बी लेस देन और इक्वल टू μS1 − μK2 / M1/M2 × M1 + M2 × g। यही इस केस का क्रिटिकल फोर्स होगा। इस क्रिटिकल फोर्स से अगर आपका फोर्स कम है या बराबर है तो M1 M2 के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, और अगर क्रिटिकल फोर्स से ज्यादा है तो M1 M2 के बीच में स्लिपिंग होगी। क्रिटिकल फोर्स का एक्सप्रेशन याद करना, क्या एक्सप्रेशन है? μS1 − μK2 आएगा × M1/M2 × M1 + M2 × g आएगा। ऐसा नहीं, अगर आप इतना कैलकुलेशन बार बार अवॉइड करना चाहते हो, और 99.9% चांस है कि आपसे क्रिटिकल वैल्यू ही पूछेगा कि बताओ कम से कम कितना फोर्स लगा कि स्लिपिंग शुरू हो जाए, तो जब आपसे क्रिटिकल फोर्स ही पूछेगा तो आपको क्रिटिकल फोर्स का एक्सप्रेशन बना के याद करना ही चाहिए। अब आइए मैं थर्ड केस का क्रिटिकल फोर्स ड्राइव करता हूँ। थर्ड केस क्या था बताइए? इस केस में आप फोर्स कहाँ लगा रहे थे बताइए? इस केस में आप फोर्स लगा रहे थे नीचे वाले पे। आइए पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं फटाफट। पहले आपने फोर्स किस पे लगाया बताइए? नीचे वाले पे। किस पे लगाया? तो नीचे वाला सरफेस 1 पे भी और सरफेस 2 पे भी, दोनों सरफेसेस पे नीचे वाले ब्लॉक के आगे स्लिप करने की टेंडेंसी है ना, तो इन दोनों सरफेसेस का फ्रिक्शन इसको क्या करेगा बताइए? स्लिपिंग को रोकेगा। तो F1 F2 दोनों का डायरेक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे किधर लगेगा बताइए? पीछे की तरफ लगेगा बताइए। डायरेक्शन समझ में आ रहा है? अरे बोलोगे कुछ? तो वही F1 M1 पे किधर लगेगा बताइए? आगे की तरफ। क्या हमें फ्रिक्शन के डायरेक्शन समझ में आए? एक बार फिर से हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब हम जानते हैं, मतलब वो फोर्स जिससे ज्यादा लगाने पे M1 M2 के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले हाँ पूछिए, चलो सांस मत फुलाओ, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि दोनों साथ साथ स्लिप कर रहे हैं ग्राउंड पे। दोनों कहाँ स्लिप कर रहे हैं? साथ साथ, जैसे पिछली बार किया था। ये वाला डायग्राम पिछली बार भी बना था। F1 गायब हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका FBD बनाएंगे? केवल एक ब्लॉक का। किसका बनाएं? ऊपर वाले का। ऊपर वाले पे बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? खाली एक फोर्स लग रहा है, वो भी फ्रिक्शन। अरे बोलो, और वो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है बताओ? काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। लो भाई साहब, कोई स्टैटिक कोई काइनेटिक, साले अजम्पशन तो देख लो यहाँ पे। कैसा फ्रिक्शन लगना चाहिए? स्टैटिक लगना चाहिए, हाँ या ना? और यही इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। तो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन M1 M1 के बराबर लिखा जा सकता है? ए की वैल्यू इतनी डाल सकते हैं? अरे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, उसके बाद इसको खोल दीजिए पहले ब्रैकेट को दो भाग में, सही है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू से क्या होगा बताइए? कम ही होगा ना, ठीक। μK2 का वैल्यू फिर से डाल दिया हमने, FK2 का, μK2 × M1 + M2 × g, M1 + M2 काट दिया। लास्ट में इसको FL1 से लेस देन लिख दिया। लेस देन ही नहीं लिखना होगा, लेस देन इक्वल टू लिखना होगा। F1S की वैल्यू FL1 से तो कम ही होगी ना, ये बराबर होगी। FL1 की वैल्यू कितनी है? μS1 × M1 g। बोलिए समझ में आ रहा है? μS1 × M1 g, इक्वालिटी होगा यहाँ पे। और एक बार फिर से लेके इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके इस बार हमारा F का एक्सप्रेशन ये आ रहा है। क्या क्रिटिकल फोर्स आ रहा है पढ़िए? क्रिटिकल फोर्स आ रहा है μS1 + μK2। पिछली बार क्या था? -μK2। M1 + M2 पहले भी था, इस बार भी है। M1 / M2 था, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये तीनों केस के क्रिटिकल फोर्स हुए, ठीक है। हाँ वो नहीं है, वो बता दिया।
ठीक है। एक बार आइए हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्यों बना? क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक इसमें स्लिप नहीं करेगा। इस केस का क्रिटिकल फोर्स क्या होगा? इस केस का क्रिटिकल फोर्स होगा μS1 × m1g। इससे ज़्यादा फोर्स लगाइए तो m1 m2 के रेस्पेक्ट में स्लिप करेगा। इससे कम या बराबर फोर्स लगाइएगा, m1 m2 के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा। ये भी फोर्स ऊपर वाले पे ही लग रहा है, लेकिन इस बार नीचे वाला ब्लॉक भी स्लिप कर सकता है क्योंकि उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1 से क्या है, कम है। इस केस का क्रिटिकल फोर्स μS1 − μK2 m1/m2 × m1+m2 × g, ठीक। इससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो m1 m2 के बीच में स्लिपिंग होगी, इससे कम लगाइएगा तो नहीं होगी। जब हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं? लोअर ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ठीक है। इस केस में ये रहा क्रिटिकल फोर्स। इससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो m1 m2 के रिस्पेक्ट में स्लिप होगा, कम लगाइएगा तो नहीं होगा, बराबर लगाइएगा तो भी नहीं होगा। वैल्यू क्या है? μS1 + μK2 × m1+m2 × g, ठीक है। अब करेंगे इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए लिखिए लिखिए, मतलब बेसिक आइडिया लिखिए। 2 kg दिया हो भाई, जल्दी थोड़ा। 2 kg दिया हुआ है, 3 kg नीचे का ब्लॉक दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है, ठीक ठीक है। आप इसको खोलिए और आपको निकालना क्या बताइए? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन 3 kg सच दैट 2 kg डज नॉट स्लिप ऑन इट, इट्स 12.5 N। 2 kg स्लिप नहीं करना, उसे इसके बीच का टेंशन जितना दिया है यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। 3 kg के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं जब तक स्लिपिंग ना हो? 12.5 N। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? नीचे वाले पे क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू दे दी कि नहीं दे दी? हाँ। अरे दे दी ना। अरे 12.5 N नीचे वाले का क्रिटिकल ही हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और आपसे किसका क्रिटिकल पूछ रहा है? पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक सच दैट इट स्लिप्स ऑन 2 kg, मतलब यहाँ का क्रिटिकल पूछ रहा है आपसे कि इस पर कितना फोर्स देंगे। तो दोनों के क्रिटिकल वैल्यू को यूज, एक का यूज करिए, जहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है वो निकाल लीजिए। हाँ, पहले सी वाला लगेगा आपको, जो 12.5 दिया वो और कुछ नहीं है, वो नीचे वाले ब्लॉक पे क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू है। तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, μ1 डालेंगे, m1 m2 डालेंगे, g डालेंगे, तो आपको μ2 मिल जाएगा। और एक बार आपको μ2 मिल जाएगा तो यही क्रिटिकल फोर्स आपको ऊपर वाले पे कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए, जब आप μ2 निकाल के पुट कीजिएगा और ऊपर वाले का क्रिटिकल निकालिएगा तो आपका वैल्यू 5 N आएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, नीचे वाले पे फोर्स का क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर वाले पे मांग रहा है, जो नहीं दिया है वो है लोअर सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो μ2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी जो दिया है उससे। क्वेश्चन का सेटअप समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन एक एक करके बोलूंगा, आप लोग वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, फिर मैं उसको जस्टिफाई करूंगा सही है गलत है। बोलिए सही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है Find limiting friction on all the surfaces। निकालिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। FL1 और FL2 की वैल्यू निकालिए। चलिए शुरू हो जाइए। क्या ये दोनों फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? μS1 की वैल्यू है 0.2, m1 की वैल्यू है 2 × 10, तो ये आएगा 4 N। और इसकी वैल्यू है 0.05, अरे हाँ कि ना, m1 + m2 5 × g, ठीक है। जी का वैल्यू हो गया 10, 50 × 0.05 2.5 N आ रहा है क्या? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन, दो पार्ट है, ए 2 kg एंड बी 3 kg, सच दैट m1 स्लिप्स ऑन m2। F0 निकालने कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो 2 kg पे लगाएंगे तो F0 कितना होगा, 3 kg पे लगाएंगे तो F0 कितना होगा, निकालना है, करके दिखाइए। भाई जब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला है तो आपका FL1 का जो वैल्यू आया है वो FL2 से बड़ा है, बोलिए आया कि नहीं आया? आया है ना। इसका मतलब क्या है? नीचे वाला ब्लॉक स्लिप कर सकता है ना, अगर FL1 से छोटा हो गया ये तो कर सकता है ना। इसका मतलब केस ए कहीं पिक्चर में नहीं होगा, केस बी होगा या केस सी ही होगा, ठीक है। चलिए, दोनों का क्रिटिकल पूछ रहा है, निकाल के दिखाइए। देखिए, ये है पहले वाले पे क्रिटिकल फोर्स का फॉर्मूला, इसमें मैंने डाल दिया वैल्यू, ये 5/3 आ गया, (2) भी है साथ में और 10 है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा भाई? 5 N, 5 N आ रहा ना, पक्का? 5 N, ठीक है। चलिए, सेकंड केस का भी फॉर्मूला डालिए, जल्दी करिए। यहाँ 0.2 + 0.05 हो जाएगा, (2) + 3 (2/3 × g) गलती से नहीं किया, बोलो, फॉर्मूला याद नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें m1/m2 नहीं होता है भाई, ये आएगा 12.5 N। M1 M2 मार्क कर दिया, surface 1 surface 2 मार्क कर दिया, आपको दोनों surfaces पे फ्रिक्शन निकालना है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है, और कितने टाइम के बाद 2 kg 3 kg के ऊपर से गिर जाएगा ये भी निकालना है। इसके लिए मैं एडिशनल डाटा आपको दे रहा हूँ। एडिशनल डाटा से मेरा पर्याय क्या है? ये जो दूरी दी हुई है, वेट अ मिनट,
ये जो दूरी दी हुई है ये भी आपको गिवन है, बहुत गलती बात है। और ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ, आगे का डिस्टेंस भी दिया हुआ, पीछे का डिस्टेंस भी दिया हुआ, समझ रहे हैं आप बात? ठीक, इसकी वैल्यू मैं आपको देता हूँ। इसकी वैल्यू दी हुई है से फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू दी हुई है से फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये आगे जाके गिरता है तो इसको 20 सेंटीमीटर के बाद गिरना है, अगर पीछे फॉल करना है तो उसको 10 सेंटीमीटर के बाद करना है। सवाल समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन करते हैं। ए पार्ट में आप फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? 2 kg, सही है। क्रिटिकल फोर्स कितना था आपने निकाल रखा पहले? अगर आपको पहले के दो पार्ट नहीं कराने होते तो भी आपको करना पड़ता इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने के लिए। बिना क्रिटिकल फोर्स से कंपेयर किए आप पता ही नहीं कर सकते कि M1 M2 के रिस्पेक्ट में स्लिप करेगा कि नहीं, और जब तक वो स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक आपको रियल FBD का पता ही नहीं चलेगा। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं बताइए? हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 4 न्यूटन। बोलिए सही है, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। स्थिति क्या है देखिए, समझिए जरा, ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा, फोकस रखिएगा। तो आप फोर्स लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं ना, कितना न्यूटन का लगा रहे हैं? 4 न्यूटन का। अब आप बताइए फ्रिक्शन किस पे किधर लगेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्या ये क्रिटिकल फोर्स से कम है? तो इसका मतलब है कि M1 M2 के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा। तो कितने टाइम के बाद गिरेगा ये तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि M1 डज नॉट स्लिप्स ऑन M2। बोलिए सही है, हाँ या ना? इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कॉमन बनता है, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब चूंकि हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो हम दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान के चलेंगे ना। अरे बोलिए, तो अगर हम दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान के चलते हैं तो बताइए नेट मास कितना हो गया हमारा? 5 kg हो गया, सही है। कितना फोर्स हो गया एक्सटर्नल उस पर? 4 न्यूटन। अब ये जमीन पे स्लिप करेगा कि नहीं ये यहाँ के फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल चुके थे 2.5 थी, जो कि इसको रोक नहीं पाएगा। 12.5 क्रिटिकल वैल्यू था बाबा, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ठीक, और यही काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, क्योंकि कोई μs और μk अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ठीक, देन व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, टेल मी, कम ऑन, व्हाट इज A1 एंड A2? डेढ़ बटा पांच, बोले सही है, 0.3 m/s² MI right? हाँ ठीक है, करो ना पहले, मैं उस पर बात करूंगा तुमने क्या कहा था, हो सकता है मैंने नहीं सुना हो ध्यान से। अभी समझ में आ गया, इतना आ गया? ठीक, अब हमें A1 A2 मिल गया, टाइम निकालने की जरूरत है नहीं, तीन पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन चाहिए? नहीं, एक ही पे चाहिए, एक पे तो पता है काइनेटिक है। इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया, टाइम निकालना नहीं है, काइनेटिक सरफेस 2 पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, क्या बच गया बताइए? एग्जैक्टली, F1 बच गया। F1 बनाने के लिए दोनों का अलग अलग FBD बनाना पड़ेगा, बनाइए। चलिए पहले हम ऊपर वाले का बनाते हैं, सही है। अरे भाई थोड़ा मदद करो, कितना फोर्स दे रहे हैं? यहाँ का फ्रिक्शन पता है क्या? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि स्टैटिक है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक, लेकिन एक्सेलरेशन पता चल चुकी है हमें, ये मदद करेगा हमारी। क्या लिखेंगे बताओ? 4 न्यूटन में से F जाएगा इक्वल टू 2 kg का मास इंटू A, बोलो हाँ या ना? वैल्यू डालो, अरे वैल्यू डालो, F1 नहीं पता है तो छोड़ दो, जिसकी वैल्यू पता है उसको तो डालो। 0.3 होगा, 0.3 होता है कितना, 0.6 हो गया, F1 की वैल्यू आ गई 3.4 न्यूटन। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, आइए इसको काउंटर चेक करते हैं। काउंटर चेक करें कैसे करेंगे? नीचे वाले का FBD बनाएंगे, क्या करेंगे? नीचे वाले का FBD बनाएंगे, क्या करेंगे बताइए? नीचे वाले पे कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार। हाँ बोलो, F1 दिख रहा है, F1 दिख रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन है, ग्राउंड का फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन कॉमन है, पता है हमें। ठीक है, ग्राउंड का फ्रिक्शन है, कितना है? 2.5. क्या लिखेंगे इक्वेशन? F1 -2.5 इक्वल टू 3 × A2, बोलो हाँ। 3 × A2 कितना हो गया? 3 × 0.3 0.9, 2.5 को उधर ले जाके जोड़ दो, F1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3.4 न्यूटन। दोनों बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा था खाली, कि आंसर सेम आएगा, आप किसी की भी FBD बनाइए। बोलिए समझ में आ गया? आंसर 3 का पार्ट 1 डन, A पार्ट 1 डन। कितना फोर्स दे रहे थे इस समय? 4 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे, जो क्रिटिकल वैल्यू से कम था, इसीलिए मैंने क्रिटिकल वैल्यू से कम दिया और एक क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा दिया है, कि दोनों पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाए। अब मैं इसका पार्ट बी बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाने जा रहा हूँ? पार्ट बी, ध्यान से सुनिएगा, कोई दर्द होगा तो बताइएगा। पार्ट 2 ही बनाऊंगा, अभी बी कहाँ, अभी पार्ट 2 बनाऊंगा इसका, सॉरी। अब फोर्स कितना लगाने जा रहे हैं हम लोग बताइए? 6 न्यूटन। कंक्लूजन बताइए पहले, M1 विल स्लिप ऑन M2, हाँ या ना? देखिए कितना बेनिफिट है इसका, ठीक है, क्रिटिकल फोर्स का, M1 स्लिप्स ऑन M2। अब अगर M1 M2 के ऊपर स्लिप करता है तो दोनों का एक्सेलरेशन तो अलग अलग हो जाएगा, दे कांट हैव द सेम एक्सेलरेशन,
अगर अलग अलग एक्सेलरेशन हो गया तो भाई साहब एफबीडी भी अलग अलग बनेगी, कंबाइंड एफबीडी बना ही नहीं सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ, चलिए बताइए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। छोटे वाला ब्लॉक का मास है 2 kg, बड़े वाले का मास है 3 kg, इस पे कितना फोर्स लग रहा है बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। इस बार भाई साहब काइनेटिक लगेगा, इस बार फ्रिक्शन के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है स्लिपिंग हो रही है, और स्लिपिंग काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है यहाँ पे, क्योंकि एक ही म्यू दिया हुआ है और ये हमने निकाल रखा है 4 न्यूटन निकाला था सारे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था ना हमने। ये देखो भाई साहब दोनों सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अरे दिख रहा है। चलिए भाई साहब कितना फ्रिक्शन लग गया, 4 न्यूटन लग गया। बताइए A1 की एक्सेलरेशन क्या होगी, पिछला वाले 0.3 मत बोल दीजिएगा क्योंकि उस बार वो एक्सेलरेशन एप्लीकेबल नहीं है, वो कॉमन एक्सेलरेशन नहीं होगा। 6 - 1 m/s बिल्कुल सही, 1 m/s² 1 m/s² आपका आ गया A1 का वैल्यू, बोली सही है। आ जाइए इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, केवल F1 लग रहा है इधर, नहीं केवल नहीं और F2 लग रहा है इधर, और हर जगह काइनेटिक है तो काइनेटिक है तो ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। बोलिए हाँ या ना। चलिए A2 का एक्सेलरेशन बताइए, जुबानी कैलकुलेट कीजिए, 4 - 2.5 गया, 0.5 m/s² यहाँ तक कोई दिक्कत। बताइए आपको A1 A2 मिल गया, आपको F1 F2 मिल गया, अरे बिल्कुल मिल गया भैया, यही तो F1 F2, ये F2 लग रहा है, ये F1 लग रहा है, चारों मिल गया। लेकिन इस बार ये गिरेगा, इस बार ये गिरेगा। अब आप ये बताइए किधर गिरेगा, आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा क्योंकि आप एक्सेलरेशन देखिए ना, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसकी एक्सेलरेशन कम है, तो छोटा वाला आगे जाके गिर जाएगा। एक तो मैथमेटिकल रीजन हो गया, दूसरा हम जानते भी हैं भाई कि हम फोर्स ही उसी पे लगा रहे हैं, हम फोर्स ऊपर वाले पे लगा रहे हैं ना, तो अगर वो स्लिप करने लगा तो किधर स्लिप करेगा, आगे ही स्लिप करेगा ना, तभी तो हम उस पर फ्रिक्शन पीछे ले रहे थे। अरे सही है, लास्ट पार्ट करते हैं, इस बार आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। इधर देखिए ध्यान से टाइम कैसे निकलेगा, ये आपका 3 kg वाला ब्लॉक है, ये आपका 2 kg वाला ब्लॉक है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन है 1 m/s² बोलिए, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0.5 m/s² बोलिए हाँ या ना। ये बताइए व्हाट इज़ द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, जीरो, क्योंकि इससे पहले तो स्लिप करना शुरू ही नहीं कर रहा था। व्हाट इज़ द रिलेटिव एक्सेलरेशन, 0.5, अरे समझ में आ रहा है। एंड व्हाट इज़ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जितना आगे का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ था 20 cm, याद करिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ बताइए, बताया था ना मैंने अभी आपको, तो ये हो गया 0.2। क्या लगाएंगे बताइए, एस रिलेटिव इक्वल टू 1/2 × 0.5 × t², बोलो हाँ। एस रिलेटिव कितना लिखेंगे, 0.2 इक्वल टू 1/2 × 0.5 × यहाँ ये रिलेटिव लिख देते हैं, पता चले बच्चों को कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ क्या आएगा बेटा, 0.5 कैसे आ रहा है, हाँ तो ये दोनों कट जाएगा, 2 × 4/5 √4/5 सही है ना, इतना टाइम लग जाएगा। अब मैंने अभी ए पार्ट पूरा आपके सामने एग्जीक्यूट किया, ठीक, क्या बी पार्ट में इसी तरह से आप चल सकते हैं, खुद से एक बार क्रिटिकल से कम एक बार क्रिटिकल से ज़्यादा, बी पार्ट का सारा आंसर कैलकुलेट करके अगली क्लास में मेरे को दिखाइएगा, ठीक, डेटा है आपके पास, इस तरह से ब्लॉक पे ब्लॉक वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, इस बच्चे को जाने दो। फर्स्ट पार्ट में M1 M2 के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे, बीच का फ्रिक्शन F1 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.5 m, कितना आ रहा है, 7.5/5, 1.5 m/s² ये राना जी, याद रखिए इसमें दोनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, बीच का फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हमें बीच का फ्रिक्शन निकालना है तो अभी हम क्या करना है बताइए, अभी हमें सिंगल FBD बनाना पड़ेगा, किसी एक का बनाते हैं, किसका बनाया जाए, 2 kg का बनाते हैं, बताइए 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स दिखेगा आपको, 2 kg पे F1 किधर दिखेगा, आगे बस, और कुछ तो नहीं, नहीं, और ये स्टैटिक है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन 1.5 निकाल चुके हैं, तो क्या इस F1S को ही हम खाली M1 × A नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2 × 1.5, बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 3 N आ गया, तो अब आपके पास F1 आ गया, F2 ऑलरेडी आपके पास था, A1 A2 आपके पास पहले से आ चुका है, और ये गिरेगा नहीं, तो बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके सेकंड पार्ट पे आइए, जहां फोर्स कितना लगा रहे हैं बताइए, 15 N, सेकंड पार्ट में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं बताइए, बताइए M1 M2 के ऊपर स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, M1 स्लिप्स ऑन M2, क्योंकि ये क्रिटिकल फोर्स से बड़ा है, है ना, ये वाला क्रिटिकल फोर्स से कम था, तो M1 स्लिप्स ऑन M2 हो गया, तो दोनों का FBD इस बार अलग अलग बनेगा, तभी तो अलग अलग एक्सेलरेशन निकलेंगी ना, M1 M2 सही है।
चलिए एम वन की एफबीडी में क्या क्या बनाएंगे बताइए, खाली एक फोर्स और वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोलिए हाँ या ना। और कैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए, काइनेटिक, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। yes, अब ये बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था इस सरफेस पे, हमने निकाला था 4 न्यूटन, काइनेटिक लिमिटिंग दोनों बराबर ही था। सही है। अब इसकी एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ए1 की एक्सेलरेशन कितनी आएगी बताइए आप, ए1 की एक्सेलरेशन आएगी 4 / 2 m/s² बोलो आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब आ जाओ एम टू पे, 3 kg वाले पे, इस पर कौन कौन सा फोर्स देख रहे हैं आप, एक तो आप लगा रहे हैं खुद, कितने न्यूटन का फोर्स, 15, एक लग रहा है फ्रिक्शन यहाँ पे, एक लग रहा है फ्रिक्शन यहाँ पे, बोलिए हाँ या ना। ये वाला फ्रिक्शन कितना है बताइए, F1 है जिसकी 4 न्यूटन यूज हो रही है, और ये F2 है जिसकी 2.5 न्यूटन यूज हो रही है, हाँ या ना। और ये दोनों के दोनों काइनेटिक है, सही है। तो फ्रिक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फ्रिक्शन तो कैलकुलेटेड है। इस बार एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, A2 कितना होगा बताइए, तो 15 लगाया हमने, माइनस में कितना दे दिया बताइए, 4 / 2.5 / मास, जिसका FBD बनाओगे उसका ही मास लिखना, बताओ कितना हो गया, 15 में से 6.5 चला गया, ये बच गया 8.5 / 3, लगभग 2.8 आएगा एक्सेलरेशन, बोलिए हाँ या ना। ठीक, इस बार दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो बताओ स्लिप करके गिरेगा। yes, अब बताओ कि M1 जो है वो M2 के रिस्पेक्ट में किधर गिरेगा, आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा, पीछे गिरेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लो और कॉमन सेंस देख लो, जब तुम नीचे वाले को खींच रही हो तो ऊपर वाला पीछे ही गिरेगा ना जाके, फोर्स तो इस पर लगा रहा है ना। हाँ ये A2 है, ठीक। इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है तुम्हारी, 2 m/s, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है तुम्हारी, तो किसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन है, नीचे M2 के पास। तो M1 M2 के रिस्पेक्ट में किधर स्लिप करेगा बताओ, पीछे स्लिप करेगा ना। और पीछे का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ये वाला डिस्टेंस ये दिया हुआ 10 cm, बोलो हाँ या ना। फिर वही फंडा लगाओ, बताओ S रिलेटिव कितना, 0.1, ये बताओ A रिलेटिव कितना, 0.8, हाँ या ना। ठीक है, पीछे की तरफ माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो माइनस है, फिर माइनस लोगे तो दोनों को माइनस लो, है ना। और क्या बच गया, हो तो गया, अब हमें निकालना है टी, सही है। तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे बताओ, 0.1 = 1/2 × 0.8 × t², बोलो हाँ। कितना आ गया बेटा, टी आ गया 1/2, हाफ सेकेंड आएगा। अब पढ़िए, द फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, A1, A2 समय के साथ कैसे वेरी करेंगे इसका पता लगाना है, ठीक है। अब आप दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये बताइए क्रिटिकल फोर्स जो होगा यहाँ पे वो ऑब्वियसली होगा μ1 - μ2, तो है नहीं, इंटू M1 + M2 इंटू M1/M2 इंटू G, है कि नहीं, ऐसा क्रिटिकल फोर्स आपने पढ़ा था। आपका फोर्स टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आपका क्रिटिकल फोर्स इस, मतलब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो क्रिटिकल वैल्यू को तो क्रॉस करेगा ना। जब तक आपका KT इससे कम होगा तब तक दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन होगी, बोलिए हाँ या ना। जब तक आपका KT इससे कम होगा तब तक A1 और A2 की एक्सेलरेशन क्या होगी बताइए, कॉमन होगी। अगर कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दोनों को हम एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बीच का फ्रिक्शन वैसे भी इमटीरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बीच का फ्रिक्शन वैसे भी इमटीरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोलिए, आपका टाइम जब तक इस फोर्स को इससे ज़्यादा नहीं ला देता है, जब तक ये बराबर रहे या लेस रहे, KT की वैल्यू जब तक कम है तब तक आपका कॉमन एक्सेलरेशन है। वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा यार, जो भी फोर्स आप लगा रहे हो माइनस में कुछ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा माइनस में बताओ, माइनस में आता कौन, जमीन का फ्रिक्शन जो कि है ही नहीं, और बीच का फ्रिक्शन हम लेंगे नहीं क्योंकि इंटरनल हो जाएगा अगर दोनों को कंबाइंड ब्लॉक मानते हैं। तो आपका आंसर होगा KT / M1 + M2, बोलिए हाँ या ना। तो एक्सेलरेशन भी टाइम के प्रोपोर्शनल आ रहा कि नहीं आ रहा, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए A1 A2 दोनों का। तो इसलिए चारों ऑप्शन में देखिए ये हिस्से में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बोले सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी बनाया गया है और दोनों का सेम वैल्यू बनाया गया है। मेन मुद्दा इसके बाद का है, अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आपका ये KT फोर्स जो है जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू से, यानी M1 / M1 M2 × M1 + M2 × G × μ1 से, है कि नहीं। यहाँ μ1 भी है, ध्यान रखिए, ये मैं μ1 लिखना भूल गया, हालांकि वैल्यू का क्या मतलब आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ इमटेरियल, खाली क्रिटिकल फोर्स इससे ज़्यादा हो जाए बस इतना पता है। तब दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, आइए दोनों की एक्सेलरेशन सोचते हैं। A1 निकालने के लिए मैं ऊपर वाले का FBD बनाता हूँ, है कि नहीं। ऊपर वाले फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, KT, फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बताइए यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा μ1 × M1g। तो आपके A1 की वैल्यू कितनी आई बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 यू आर गेटिंग हियर, A1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बिल्कुल KT - μ1 M1g
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सही है, अरे है कि नहीं है, यानी एक्सेलरेशन आपका आ गया kt डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस म्यू वन एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, बोले सही है। अब आप बताइए कि ये एक्सेलरेशन पिछले वाले एक्सेलरेशन से, जैसे आपका फ्रिक्शन लगने लगा के टी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो उससे कम है कि नहीं क्या एक्सेलरेशन? कम है ना, उससे कम है। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छे से प्रॉब्लम देखिए, कम ज़्यादा आप किसके रेफरेंस बोल रहे हैं? आप के टी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये आप क्यों नहीं सोच रहे कि टाइम लगातार बढ़ रहा है ना, टाइम वहीं थोड़ी बैठा है। ग्राफ के शेप का पता स्लोप से चलता है। यहाँ पे आप dA1 by dt अगर निकालोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, और dA2 by dt निकालोगे, तो दोनों का स्लोप यहाँ आएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो k by m1 plus m2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? यहाँ भी आप dA1 by dt निकालो और बताओ मेरे को क्या आ रहा है, क्या आपका स्लोप सेम नहीं आ रहा है? ये तो कॉन्स्टेंट है ना, जीरो हो जाएगा सेकेंड पार्ट, तो यू आर गेटिंग द सेम स्लोप। मतलब a1 अपना लाइन कंटिन्यू करेगा, तो इसमें से कौन कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है बताओ? a1 ये वाला, या तो ये होगा हाँ, या फिर ये होगा, सही है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए अब आइए, हमें a2 देखना पड़ेगा, चलिए a2 निकालते हैं। a2 को ड्रैग करने वाला कौन है बताइए, मतलब m2 को ड्रैग करने वाला कौन है बताइए? तो m2 पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो इनके बीच का फ्रिक्शन लग रहा है, और वो कितना है भैया? वो है μ1 * m1 * g, बोले सही है। यही इसको एक्सेलरेट करेगा a2 को, अरे करेगा कि नहीं करेगा? कितना एक्सेलरेशन देगा ये इसको? μ1 m1 g डिवाइडेड बाई, ठीक। क्या इसमें टाइम का कोई रोल है? इज दिस एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट और नॉट कॉन्स्टेंट? अगर इसका स्लोप निकालेंगे dA2 by dt तो क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। बोले समझ में आ गया? इसमें ऑप्शन की और ब्लेंडिंग भी हो सकती थी, जैसे मैंने A2 को यहाँ नीचे भेजा, मैं A2 को ऊपर भेज देता, मतलब बहुत तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में और केसेस भी हो सकते हैं, फोर्स आप नीचे वाले पे लगा के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, ग्राफ सोच सकते हो, ठीक है। नीचे वाले में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेके ग्राफ सोच सकते हो, तो इसको और कॉम्प्लेक्स, लेकिन आइडिया मिल गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बताइए, अब ये सब पढ़ने के बाद कैन यू रियलाइज व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिटिकल फोर्स इन दीज प्रॉब्लम्स? थिंक लाइफ विदाउट दैट क्रिटिकल फोर्स एक्सप्रेशन, एवरी प्रॉब्लम विल बिकम लेंथी, ठीक। ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखवा है किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई क्रिटिकल फोर्स की चर्चा नहीं है, कुछ नहीं। इसको बोलेंगे शॉर्टकट, और बता तो दिया कि जेई मेन लेवल तक 99.9% चांस है कि आपसे खाली क्रिटिकल फोर्स पूछेगा। ये इतना इतिहास भूगोल पूछने का टाइम तो बहुत कम आएगा, तो एडवांस लेवल पे अगर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो यहां देखिए जाके हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। फाइंड मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच ब्लॉक डजंट स्लिप, ठीक है, दोनों के लिए रेलेवेंट है ना, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी रेलेवेंट है। आइए इसको करते हैं। ये बताइए, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आइए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सोचते हैं क्या हो रहा है। अरे ऊपर ले जाओगी तो स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर होगी इसकी बताइए? डाउनवर्ड होगी ना, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियली ऐसे लगना चाहिए। ये हो गया आपका फ्रिक्शन, और मैक्सिमम एंगल पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू होता है। अरे बोलिए, अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली टेंजेंशियल और वर्टिकल ही तोड़ना है आपको, तो एम जी के दो कंपोनेंट लीजिए। बताइए एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा और एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इस डायरेक्शन में साइन होगा। इस डायरेक्शन में साइन होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? कॉस। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कॉस के बराबर है कि नहीं है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं, हैं? इसको और एम जी साइन थीटा को बराबर कर दीजिए, जैसे ही स्लिप करना शुरू करेगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, कुछ घुस रहा है आगे आपका tan थीटा मिलते बराबर, वही आया एंगल ऑफ रिपोर्स के बराबर आया ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ गया, रिपोर्ट्स tan इनवर्स म्यू, बोली समझ में आया? ठीक, एक तो ये दे देता है। कभी कभी क्या करता है, इसी में बोलेगा कि कितने हाइट तक इसको ले जाएं। मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकंड जरा डायग्राम में संशोधन करने दीजिए। आपसे बोलेगा ये हाइट निकालो, कितने हाइट तक इसको ले जाएं कि स्लिप ना करे। थीटा नहीं पूछेगा, हाइट पूछेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, tan थीटा निकाल लिया। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये बताइए ये जो इंक्लाइंड यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है लाइन, ये रेडियस का होगा कि नहीं होगा? रेडियस होगा। और ये जो बचा हुआ है वो एच माइनस आर हो गया। यस। सो व्हाट इज कॉस थीटा टेल मी, इज इट एच माइनस आर अपॉन आर? बोलो हाँ। अरे भैया ये पूरा का पूरा रेडियस हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? सही है, कॉस थीटा इतना हो गया, सही है। टैन थीटा म्यू निकाल चुके हो, तो टैन थीटा अगर म्यू है तो उससे कॉस थीटा कितना होगा बताइए? लो भाई साहब, तो बड़ी सवाल, बड़ा सवाल पूछ दिया आजकल के बच्चों को, कहाँ पता है
अरे tan थीटा म्यू है तो p बाई बी म्यू स्क्वायर हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। अब बताओ cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा आपका 1 अपॉन tan अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू, होगा इतना। और यहाँ क्या आ रहा है आपका, h बाई r माइनस बना रहा है, आ रहा है तो h निकाल लो यहाँ से, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन खुद से करना, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा और उसके बाद r बन जाएगा। तो कभी कभी हाइट भी पूछ सकता है, थीटा नहीं देगा, उसके लिए भी आपको थीटा पहले निकालना पड़ेगा तब पता चलेगा। बोली समझ में आ रहा है? अरे आर एच और थीटा का रिलेशन समझ में आ रहा है पक्का? हैं, दिस इज एच माइनस आर एंड दिस इज आर, तो एच माइनस आर बाई आर हो गया कॉस थीटा, टेन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक सच दैट इट डज नॉट स्लिप्स। सही, अब यहाँ तो भाई सर्किल को है नहीं कि एंगल बनाएंगे और टेंजेंट खींच देंगे, अब इसको कैसे करें ध्यान से सोचें। अगर ये ब्लॉक एक्स कॉमा वाई पोजीशन पर रखा है तो इसकी हाइट वाई होगी, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा ये बताओ उस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है ना जी, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक। अब हम सारे फोर्सेज यहाँ बनाएंगे जो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं, समझ में आ रही है बात, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। सबसे पहले लगेगा इस पर एम जी, यस सर, लगेगा नॉर्मल, और बोलिए, और स्लिपिंग की टेंडेंसी डाउनवर्ड होगी तो ऑब्वियसली लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो टेंजेंशियली ही लगता है, इसीलिए टेंजेंट बनाना जरूरी है, ठीक। अब इस पॉइंट पे इंक्लाइनेशन हमें पता नहीं है स्लोप का, लेकिन जो भी स्लोप का ये इंक्लाइनेशन होगा वही उसके टेंजेंट का भी इंक्लाइनेशन होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एम जी का जो इधर कॉम्पोनेंट आएगा और एम जी का जो इधर कॉम्पोनेंट आएगा ये सेम टू सेम इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा, और इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताइए, एम जी साइन थीटा। देखिए कुछ भी नहीं बदला, अभी भी आप एंगल ऑफ रिपोज ही आएगा प्लान से, लेकिन चक्कर क्या है कि आपको थीटा पता ही नहीं है ना, आपको तो हाइट पूछ रहा है, आप सर्कल वाला फंडा यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इन टू एन की वैल्यू कितनी होगी बताइए, ऑब्वियसली एम जी कॉस थीटा, जब ये स्लिप करेगा तो क्या होगा बताइए, एम जी साइन थीटा, जस्ट उस समय किसके बराबर हो जाएगा बताइए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, इसमें भी एम जी आप काट देंगे, फिर से आपका टेन थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, म्यू के बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ, बस यहाँ आके हम रुक गए। अब हमें वाई कैसे मिलेगा, ये तो पैराबोला है, सर्किल तो है नहीं, ठीक। अब बताता हूँ वाई कैसे मिलेगा, ये बताइए टेन थीटा जो उस पॉइंट पे स्लोप था ये टेंजेंट का भी स्लोप है, तो क्या हम टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या, सही है, बताइए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट डी वाई बाई डी एक्स, एंड व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज टू एक्स, टू एक्स, सो टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ के बराबर, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वन बाई फोर के बराबर, इसको ले जाके वाई में पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/16 मीटर के बराबर। क्वेश्चन वही है, तड़का मैथमेटिकल लग गया, समझ आई बात, पढ़ के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ब्लॉक इज केप्ट ओवर एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग इंक्लाइनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, इफ इट इज गिवन एंगल ऑफ रिपोज के एग्जैक्टली बराबर है इंक्लाइनेशन, एग्जैक्टली मतलब टंगा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल, उसको हल्का सा एक टैप कर दे नीचे, तो आपको बताना है कि इन चार में से मोशन जो होगा वो कौन सा होगा, इट स्लिप्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट स्लिप्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट स्लिप्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट स्लिप्स एंड देन स्टॉप्स अगेन, डी ऑप्शन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट स्लिप्स एंड स्टॉप्स, स्टॉप्स अगेन। आप लोग का कोई विचार, ये आपके रेंज का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए, थ्योरी है सर, मैं तो बहुत जनरल लगा रहा हूं, जनरल ही लगाओ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अच्छा कोई लॉजिक भी है कि ऐसे बस गेस वर्क, अच्छा बताइए अगर एंगल ऑफ रिपोज पे रखा हुआ है जस्ट जस्ट, तो उसका मतलब सिचुएशन क्या होता है, आपका एम जी साइन अल्फा जो होगा उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या होगा, अगर एंगल ऑफ रिपोज पे रखा हुआ तो इक्विलिब्रियम पे होगा, बराबर होंगे दोनों। देखिए ये कंडीशन है यहाँ पे, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और आपका एम जी साइन थीटा उस समय एकदम इक्विलिब्रियम पे, एकदम क्रिटिकल, जो इसमें से ज़्यादा हो गया उसने काम कर दिया। अब आपने इसको डाउनवर्ड टैप किया हल्का, जैसे ही आपने इसको डाउनवर्ड टैप किया तो आपने स्लिपिंग शुरुआत कर दी, जैसे ही आपने स्लिपिंग की शुरुआत कर दी तो क्या हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से क्या होता है, कम कम होता है, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, किसके फेवर में चला गया, एम जी साइन थीटा के फेवर में चला गया, अरे किसके फेवर में चला गया, तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बाई मास, इसमें कहाँ कोई वेरिएशन आ रहा है भाई, टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर स्लिप्स डाउन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, समझ में आ गई भाई, रुकेगा नहीं, अब तो काइनेटिक लगने लगा, काइनेटिक तब तक लगता रहेगा जब तक स्लिप करेगा, और स्लिप तो कर रहा है एक्सेलरेशन से, बोली समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चन देगा आपको, एक ब्लॉक स्लिप कर रहा है, वेलोसिटी इनिशियल दे देगा, बोलेगा कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, कितने टाइम बाद रुकेगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स लगाइए, आपको खाली रिटार्डेशन चाहिए, बताइए इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा अगर स्लिप कर रहा है तो, काइनेटिक कितना लग रहा है पूछ रहा, काइनेटिक लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है, काइनेटिक कितना कितना वैल्यू होगा उसका,
म्यू ही दिया हुआ है, एक ही म्यू दिया हुआ है, एन कितना होगा, एम जी के बराबर, तो फोर्स निकल गया उसको मास से डिवाइड करो, रिटार्डेशन आ जाएगा, उसके बाद ये सारी इक्वेशन लगा सकती हो काइनेमेटिक्स का। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। ठीक, क्या आपको पता है कार का एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शन की वजह से होता है, रिटार्डेशन भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो पहिया जो है रोल करता है और ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और ये कार को एक्सेलरेट करता है, तो इसकी एक्सेलरेशन म्यू जी होती है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? और जब आप ब्रेक दबाते हैं, ठीक है, तो यही फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगता है। क्यों लगता है पीछे की तरफ, बताता हूँ। कार जो रोल कर रहा है ना, उसका ये रोटेशन वाला स्पीड ओमेगा बंद हो जाएगा, तो इसके पास खाली वेलोसिटी बचेगी, तो जमीन पर रगड़ आगे की तरफ आएगा, तो यही फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ रहे हैं बात? तो कार का अगर एक्सेलरेटर दबाया हमने तो कार की एक्सेलरेशन म्यू जी होगी। म्यू जी कैसे होगी, समझ में आ रहा है? फोर्स हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई मास। और ब्रेक दबाएंगे तो यही रिटार्डेशन भी बन जाएगा। बाकी आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब आपका कार इनिशियल वेलोसिटी से मान लीजिए V0 से जा रहा है और आपने ब्रेक दबा दिया, तो सेम यही ब्लॉक वाला सिचुएशन होगा कि नहीं? यस सर। हाँ। हैं? हाँ। और अगर कार रेस्ट से शुरू हो रहा है और आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो आप एक्सेलरेशन को म्यू जी लेकर चलिए। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कीजिए। बोली कोई दिक्कत? बोली समझ में आ गया? एक्सेलरेटर दबाएंगे तो एक्सेलरेशन म्यू जी होगा और ब्रेक दबाएंगे तो रिटार्डेशन म्यू जी होगा। ठीक है, दोनों म्यू जी ही होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है अपवर्ड, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लिया, देखिए यहाँ पे एक लिया है एम जी साइन थीटा जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। फ्रिक्शन भी आपने डिसाइड कर लिया कि नीचे लगेगा, वो म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन तो मैं नहीं बताऊंगा, कम से कम हज़ारों प्रॉब्लम बता चुका हूँ। और यहाँ लग गया टेंशन, एक्सेलरेशन है नहीं, तो टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया इतना, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, इधर देखिए, अब इसका एफ बी डी बनाइए, किसका, जो लटका हुआ ब्लॉक है उसका, उस पर टेंशन और एम वन जी यही दो लगेगा बस, एक्सेलरेशन उसकी भी नहीं है, तो टेंशन एम वन जी के बराबर होगा। तो यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, दोनों टेंशन के वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। अब बताइए आपको M1 बाई M2 इतने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लीजिए ठीक से देख लीजिए। देख लिया? सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बताइए? सब कुछ सेम रहेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलट जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक पे। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो सेकंड पार्ट में जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, M1 के FBD में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके चेंज आएगा, इसका फ्रिक्शन अब इधर लग गया। तो अब आप लिखेंगे कितना बताइए? आप लिखेंगे अब T प्लस फ्रिक्शन यानी म्यू एम जी कॉस थीटा को आप M2 जी साइन थीटा के बराबर लिखेंगे, सही है। इससे फिर आप T निकालेंगे और इस T को M1 वाला जो T है उससे बैलेंस करेंगे, यानी जो पहले वाला ब्लॉक का FBD से आया है इससे, इन दोनों से T की वैल्यू निकालिए और इक्वेट कर दीजिए। इस बार आपके क्वेश्चन में आंसर में माइनस साइन आएगा, बस इतना ही अंतर होगा। बोलिए समझ में आया?